इसके मुकाबले आए तो हारेंगे। हारिस वारिस मरहब अरहब अंतर मंतर क्या, हारिस वारिस मरहब अरहब अंतर मंतर क्या। जिसके दिल पे हुब्बे अली की मोर लगी होगी, जिसके दिल पे हुब्बे अली की मोर लगी होगी, उसके लिए ये खैबर गब वरहब मैशर मैशर क्या नजवान। बहुत खूब, जज़ाकअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में पेश कर रहे थे अपने अकीदे को। मिदहते हैदरे कर्रार जिधर होती है, मिदहते हैदरे कर्रार जिधर होती है, बारिश रहमते माबूद उधर होती है। मिदहते हैदरे कर्रार जिधर होती है, बारिश रहमते माबूद उधर होती है। महवे दीदार अली रहते हैं वक्ते आखिर, दम निकलने को यहाँ किसको खबर होती है। तो बहुत ही मशहूर मारूफ शायर का ये शेर पेश किया आपके खिदमत में। आइए हजरात, इन्हीं अशार के जहन में मैं जमा सल्लमों से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। दावाज़े बुलंद नारे सलवात से आप इनका सबक। जश्न मौला का मनाने की कसम खाई है, जश्न मौला का मनाने की कसम खाई है, बिगड़ी तकदीर बनाने की कसम खाई है, बिगड़ी तकदीर बनाने की कसम खाई है। खत्म जश्न मौला का मनाने की कसम खाई है, जश्न मौला का मनाने की कसम खाई है, बिगड़ी तकदीर बनाने की खत्म खाई है, बिगड़ी तकदीर बनाने की कसम खाई है। मिट नहीं सकते जमाने से आज़ादारे अली, मिट नहीं सकते जमाने से आज़ादारे अली, उनको जहराने बचाने की कसम खाई है, उनको जहराने बचाने की कसम खाई है। नरसवाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जो अली का गुलाम हो जाए, जो अली का गुलाम हो जाए, उसकी मुश्किल तमाम हो जाए, जो अली का गुलाम हो जाए, उसकी मुश्किल तमाम हो जाए। अच्छे दिल से जो या अली कह दे, अच्छे दिल से जो या अली कह दे, उसका दोजख तमाम, उसका दोजख हराम हो जाए, उसका दोजख हराम हो जाए। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो आइए, बिना किसी तमहीद के मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब हादी सल्लमों से कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। हादी सल्लमों, जोरदार नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। आ गए मौला अली दीवार में दर खुल गया, आ गए मौला अली दीवार में दर खुल गया, ऐसा लगता है काबे का मुकद्दर खुल गया। आ गए मौला अली दीवार में दर खुल गया, ऐसा लगता है काबे का मुकद्दर खुल गया। किस कदर तब्दील हो जाएगा मंदिर देखना, जब अली आ जाएंगे तब अल्लाह का घर देखना, जब अली आ जाएंगे तब अल्लाह का घर देखना। परचमे अब्बास ने बख्शी है हमको इज्जतें, हमने सीखा ही नहीं है नजरें झुका कर देखना, हमने सीखा ही नहीं नजरें झुका कर देखना। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सजदे शह की जब रोशनी मिल गई, बंदगी को नई जिंदगी मिल गई, सजदे शह की जब रोशनी मिल गई, बंदगी को नई जिंदगी मिल गई। अर्श पर दिल नहीं लगता जिब्रील का, अर्श पर दिल नहीं लगता जिब्रील का, जब से दहरा के घर नौकरी मिल गई, जब से दहरा
मिल गई नारे सलवार। बहुत ही बेहतरीन लबो लहजे में जनाब फखरी मेरठी साहब का शेर सुना रहे थे हादी सल्लमहू। आइए बिना किसी तमीज के मैं हसन सल्लमहू से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना अपने कलाम से नवाजे। बाबा जबलम नारे सलवार से आप आजाद इनका इस्तेमाल करें। मैं एक बार फिर से बड़ी उम्मीद के साथ मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा, जो हजरात कुर्सियों के उस पार खड़े हुए हैं या इधर उधर खड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो फर्श मसरत पर तशरीफ ले आए। ये जो खला है हम लोगों के बीच में, थोड़ा सा इससे दूर होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से बादब एहतराम गुजारिश गुजार हूँ कि जो हजरात इधर उधर तशरीफ रखते हैं वो फर्श मसरत पर तशरीफ ले आए। हसन सल्लमहू आपके बीच में बेहतरीन लबो लहजे में पढ़ते हैं हसन सल्लमहू। बहुत ही अच्छी अच्छी महफिलों में गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आज यहाँ इस महफिल से जो है अपना कलाम सुनाएंगे इस महफिल में। बाबा से बलंद नारे सलवा से एक बार आप कहता है हर सवाली क्या बात है अली की, कहता है हर सवाली क्या बात है अली की, लौटा ना कोई खाली क्या बात है अली की, कहता है हर सवाली क्या बात है अली की, हर साल कर रही है तेरा रजब मनाती, देखो खुदा के घर की तकदीर जगमगा दी, देखो खुदा के घर की तकदीर जगमगा दी, देखो खुदा के घर की तकदीर जगमगा दी, काबे में जान डाली क्या बात है अली की, काबे में जान डाली क्या बात है अली की, कहता है हर सवाली क्या बात है अली की, सानी कोई अली का तुम लाओगे कहाँ से, कहते हुए जमीन पर खुद जिसने आसमां से, कहते हुए जमीन से खुद जिसने आसमां से, कहते हुए जमीन पर खुद जिसने आसमां था, तलवार तक मंगा ली क्या बात है अली, कहता है हर सवाली क्या बात है अली की, दो उंगलियों पे अपनी खैबर कदर संभाला, बचपन की मंजिलों में अजदर को चीर डाला, बचपन की मंजिलों में अजदर को चीर डाला, बचपन की मंजिलों में अजदर को चीर डाला, हर काम है मिसाली क्या बात है अली की, हर काम है मिसाली क्या बात है अली की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये थे हसन सल्लमहू जो बेहतरीन लबो लहजे में अपने अशार पेश कर रहे थे। बात क्या है कि खुलूस दिल से अली का जो नाम लेते हैं, खुलूस दिल से अली का जो नाम लेते हैं, वही तो लज्जत उम्र तमाम लेते हैं। अली खुलूस दिल से अली का जो नाम लेते हैं, वही तो लज्जत उम्र तमाम लेते हैं। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, अली का नाम तो गिरतों को थाम लेता है, अली का नाम तो गिरतों का थाम लेता है। आइए हजरत मैं इन्हीं मिसरों के जैल में गुजारिश गुजार हूँ ताहा सल्लमहू से कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। बाबा से बलंद नारे सलवा से आप हजरत इनका इस्तकबाल करें। मुसल्ले पा मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया, सवेरे 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 सवेरे, खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको, खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको, बड़ा लुत्फ आया सवेरे मुसल्ले पा मैंने
अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया। सवेरे 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 निकल कर अंधेरों के नरगे से हुर जब निकल कर अंधेरों के नरगे से हुर जब दरेचे पे आया। सवेरे 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 तो जहरा के बेटे ने एक पल में उसका मुकद्दर जगाया। मलायक ने जिस वक्त मधुसना की फजाओं में गूंजी सदा याली की परिंदों ने भी अपनी बोली में नारा अली का लगाया। सवेरे सवेरे सुन ले वो जिनके लिए जिक्र अली बार है आज भी पर्दे में एक हैदर करार है। उसको है सबकी खबर रखता है सब पर नजर कौन है गद्दार और कौन वफादार है। ना इस बात तो ये थे ताहा सल्लमहू जो बेहतरीन लबो लहजे में अपने अशार पेश कर रहे थे, अपनी मवद्दत और मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। आइए हजरात अगले किसी शायर अहले बैत को आवाज़ दो मचार में से पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएंगे। आज क्या है वो आफ्ताबे फजीलत है जिसे जवाल नहीं, वो आफ्ताबे फजीलत जिसे जवाल नहीं, करूं जो वस्फ तो इतनी मेरी मजाल नहीं। वो आफ्ताबे फजीलत जिसे जवाल नहीं, करूं जो वस्फ तो इतना मेरी मजाल नहीं। वो तमाम आलम इंसानियत में बाद रसूल खुदा गवाह की अली का कोई मिसाल नहीं, खुदा गवाह अली की कोई मिसाल नहीं। आइए हजरात इन्हीं अशार के जहल में हमारे बीच में आए हुए हैं, लखनऊ से तशरीफ लाए हुए हैं जमा सल्लमहू, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। बाबा से बलम नारे सलवा से आप हजरात उनका इस्तकबाल। जहाँ में सानिये कुरा कोई किताब नहीं, अली भी एक है उनका कोई जवाब नहीं। लहद में फैल गया वो तुराब का जलवा खुदा का शुक्र है मिट्टी मेरी खराब नहीं। जमाले मेहर कहाँ रूहे वो तुराब कहाँ, जमाले मेहर कहाँ रूहे वो तुराब कहाँ, रुका है जाके मेरा जौके इंतकाब कहाँ, रुका है जाके मेरे जौके इंतकाब कहाँ। अभी तो चीरा है अश्तर को बुध भी तोड़ेगा तुम्हारे लाल का बिनते असद जवाब कहाँ। वाह वाह बहुत खूब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये थे ताहा सल्लमहू जमा सल्लमहू। आइए मैं बिना किसी तमीज के गुजार हूँ रजा मेहंदी साहब से कि वो आए और बस दो चार मिसरों में अपने कंप्लीट करें अपने शेर जो भी लाए हैं, दो चार मिसरे पढ़ दें क्योंकि जो शायरों की फहरिस्त है वो काफ़ी तवील है और हमारे कुछ मेहमान शोरा तशरीफ लाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा भी वक्त मिले और बच्चों का दिल भी न टूटे, सारे बच्चे पढ़ें भी जिनके लिए ये इस महफिल का इनकार किया गया है।
वो मकसद भी हमारा पूरा होना चाहिए। एक बार बाबा जब बलन नारे सलवा से रजा मेहंदी का आप हजरत इस्तकबाल। सलाम अलैकुम। इस्लाम का जौहर तेरी शमशीर है अब्बास, इस्लाम का जौहर तेरी शमशीर है अब्बास, इरफान मोहब्बत तेरी तकदीर है अब्बास, इरफान मोहब्बत तेरी तकदीर है अब्बास। दरिया से उठा करते हैं तूफान तजल्ली, दरिया से उठा करते हैं तूफान तजल्ली, हर मौज में शायद तेरी तस्वीर है अब्बास, हर मौज में शायद तेरी तस्वीर है अब्बास। नरसवार मोहम्मद मोहम्मद दामने हैदर कर्रार के अलमास का नाम, दामने हैदर कर्रार के अलमास का नाम, रुए जहरा दिले शब्बीर के एहसास का नाम, रुए जहरा दिले शब्बीर के एहसास का नाम। रब को मंजूर न था परचमे इस्लाम झुके, रब को मंजूर न था परचमे इस्लाम झुके, इसलिए लिखा गया था हजरत अब्बास का नाम, इसलिए लिखा गया था हजरत अब्बास का नाम। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सर जो शब्बीर की चौखट बुझका देते हैं, सर जो शब्बीर की चौखट बुझका देते हैं, हम अपनी पाकीज़ा तबीयत का पता देते हैं, हम अपनी पाकीज़ा तबीयत का पता देते हैं। हम अगर चाहें तो जन्नत का भी सौदा कर ले, हम अगर चाहें तो जन्नत का भी सौदा कर ले, इतना सरमाया कि हमें फर्श अज़ा देते हैं, इतना सरमाया कि हमें फर्श अज़ा देते हैं। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ये थे रजा मेहंदी जो अपने मखसूस अंदाज में अपना कलाम पेश कर रहे थे। आइए हजरात, एक छोटा सा बच्चा है हमारे बीच में जिन्होंने बड़ी गुजारिश की है कि मुझे पढ़वा दीजिए। गुड्डू भाई के साथ जाते हैं अली सादिक सल्लमहु, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना कलाम पेश करें। नारे सलवात से आप हजरात उनका इस्तकबाल करें। मुरी बने की गोद में आया जमीन पर, तीने नबी को उसने सवारा जमीन पर, सिफीन में शुजातर अब्बास देखिए, अस्सी तो आसमां पे था पहला जमीन पर, फेंककर चुल्लू से पानी को चले जब अब्बास, हमने पानी का निकलते हुए दम देखा, वाह वाह कोई मायूस नहीं लौटा तेरे दर से कभी, या अली तेरा ये दुनिया ने करम देखा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे मामिन इसलिए खुशियाँ बनाते हैं मोहम्मद मुस्तफा का आज भाई जान आया है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसकी चाहत थी वही इंसान आया है, खुदा के हैबे देखो बोलता खुदा सुभान अल्लाह। भाई वाह 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 जज़ाकअल्लाह। तो अली सादिक को सुनने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि हमारे उस्ताद शायर जनाब हाजी सरवर अली साहब अब क्या पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन लबो लहजे में माशाल्लाह, ये है दरे अहले बैत की सिफत जहाँ से ऐसे गौहर निकलते हैं। अल्लाह सलामत रखे, मौला इन सब के जज्बातों को सलामत रखे, इनके खलूस मवद्दत व मोहब्बत को सलामत रखे। तो बेहतरीन लबो लहजे में अली सादिक सल्लमहु अपना कलाम पेश कर रहे थे। आइए बिना किसी तमहीद के मैं गुजारिश गुजार हूँ नदीम काजमी से कि वो आए। नदीम काजमी साहब आए और अपना कलाम पढ़ें। बाज़े बलम नारे सलवात से आप आज़ाद उनका इस्तकबाल करें। सलाम अलैकुम। सलाम सभी को। 13 रजब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक शेर है। 13 रजब की रात में हैदर जो आए हैं, 13 रजब की रात में हैदर जो आए हैं, जितने चमन के फूल थे सब मुस्कुराए हैं,
जितने चमन के फूल थे सब मुस्कुराए हैं, और बिनते असद की गोद में बच्चा जो देखकर, बिनते असद की गोद में बच्चा जो देखकर, हूरों ने भी आज अपनी पलकें बिछाई हैं, हूरों ने भी आज अपनी पलकें बिछाई हैं। एक आवाज बुलंद नारे सुनो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अली अली लिख दो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अली अली लिख दो, हमारे लफ्जों को बिल्कुल सही सही लिख दो, हमारे लफ्जों को बिल्कुल सही सही लिख दो, हमें ना चाहिए किशमिश बादाम और मेवे, हमें ना चाहिए किशमिश बादाम और मेवे, हमारे नाम पे एक बोरा मूंगफली लिख दो। नारे सवाब, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बात, एक नारे सवाब, मोहम्मद वाले मोहम्मद। पितरुस ने अपने पर से लिखा आसमान पर, पितरुस ने अपने पर से लिखा आसमान पर, शब्बीर ने दिए हैं मुझे आलीशान पर, शब्बीर ने दिए हैं मुझे आलीशान पर, सजदे में है रसूल खुदा पुश्त पर हुसैन, एक आसमान बैठा है एक आसमान पर, आए हुरमुला चलाता है नन्हे गले पे तीर, लानत हो तुझ पे और तेरे खानदान पर, लानत हो तुझ पे और तेरे खानदान पर। एक आवाज बुलंद नारे सुनो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जलाले हैदर कर्रार के अक्कास बके हैं, जलाले हैदर कर्रार के अक्कास बके हैं, जिन्हें कहते हम अहले हरम की आस बके हैं, तो मुनाफिक घर के मारे फर्श महफिल पर नहीं आता, मुनाफिक घर के मारे फर्श महफिल पर नहीं आता, उसे मालूम है इस फर्श पर अब्बास बके हैं, उसे मालूम है इस फर्श पर अब्बास बके हैं। एक आवाज बुलंद नारे सुनो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आ गया होता, एक नारे सुनो और पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। एक ही दो शेर का शेर है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गमे हुसैन हमेशा मनाएंगे हिंदू, गमे हुसैन हमेशा मनाएंगे हिंदू, हुसैन प्यासों पे आंसू बहाएंगे हिंदू, हुसैन प्यासों पे आंसू बहाएंगे हिंदू, हमारी नजर में रावण से भी बड़ा है तो यजीद, हिंद में तेरा भी पुतला जलाएंगे हिंदू। नारे सलवा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये थे नदीम साहब जो अपने कलाम पेश कर रहे थे। आइए हजरात, बिना किसी तमीज के एक बहुत ही छोटे से जाकिर शायर अहले बैत हमारे बीच में हैं, हुसैन सल्लमहू। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना कलाम पेश करें। हुसैन सल्लमहू। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये हरिकरण की तरफ से हौसला अफजाई की जा रही है यहाँ पर हुसैन सल्लमहू की। अहले किरत की आंख का तारा है या अली, अहले किरत की आंख का तारा है या अली, और मोमिनों की आंख का तारा है या अली। मेरी तमाम मुश्किलें आसान हो गईं मुश्किल में जब भी मैंने पुकारा है या अली, मुश्किल में मैंने जब भी पुकारा है या अली। आइए हजरात, मैं बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश गुजार हूँ जनाब अरशद साहब से कि वो तशरीफ ले आए और अपने कलाम से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। जनाब अजीज हैदर अरशद साहब, बावाज़े बुलंद नारे सलवात से आप हजरात इनका इस्तकबाल करें। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन महफिल, सलामुन अलैकुम। हमारे पहले इमाम मौला अली की मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ आप सबको, और
इस नूरानी महफिल का आगाज हो चुका है। बाकायदा सवाबन चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। वहाँ फरमाए कि न हो बला से अगर दौलते कसीर नहीं, न हो बला से अगर दौलते कसीर नहीं, मताए हुब्बे अली रखता हूँ फकीर नहीं। न हो बला से अगर दौलते कसीर नहीं, मताए हुब्बे अली रखता हूँ फकीर नहीं। मैं बेच डालूं मोहब्बत को हिरसे दुनिया में, मैं बेच डालूं मोहब्बत को हिरसे दुनिया में, खुदा गवाह की ऐसा मेरा जमीर नहीं, खुदा गवाह की ऐसा मेरा जमीर नहीं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि इसी माह में शिरफारे करबला की विलादत की तारीख जहाँ तक निकल चुकी है, गालिबन शिरफारे करबला के हवाले से चार मिसरे समाप्त फरमाऊँ, सवाबन समाप्त फरमा लें कि जब अली असगर की मिदहत में चला मेरा कलम, जब अली असगर की मिदहत में चला मेरा कलम, हो गया मैं तरबतर एहसास की बरसात में। जब अली असगर की मिदहत में चला मेरा कलम, हो गया मैं तरबतर एहसास की बरसात में, और खुश्क होठों पर तबस्सुम की अजब बारिश हुई, खुश्क होठों पर तबस्सुम की अजब बारिश हुई, बह गया तख्ते यजीदी प्यास की बरसात में, बह गया तख्ते यजीदी प्यास की बरसात में। न हो बला से अगर दौलते कसीर नहीं, मताए हुब्बे अली रखता हूँ फकीर नहीं। बेहतरीन लबो लहजे के बेहतरीन शायर अहले बैत जनाब अजीज हैदर अरशद साहब अभी आपके रूबरू थे, अपने अशार से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। मैं बेहद इनकी मवद्दत और मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। अर्ज किया है कि मेरे लबों को महकता गुलाब कर देगा, मेरे लबों को महकता गुलाब कर देगा, अली का जिक्र मुझे आफताब कर देगा। मेरे लबों को महकता गुलाब कर देगा, अली का जिक्र मुझे आफताब कर देगा। तो हथेलियों की लकीरों पे एतबार न कर, अता अली का पिसर बेहिसाब कर देगा। हथेलियों की लकीरों पे एतबार न कर, अता अली का पिसर बेहिसाब कर देगा। हम आइए हजरात इन्हीं अशार के ज़ैल में हमारे आज के एक बेहतरीन तरन्नुम के शायर अहले बैत जनाब अनवार रुदौलवी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वो आए अपने कलाम को पेश करें, मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं, बावाज़े बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल करें। ये हम सब के लिए बड़े बायस फख्र है कि हमारे बीच में यहाँ पर मिही के प्रधान जी फैसल साहब अपनी तशरीफ ले आए हैं। मैं उनका भी उनकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि अपनी तमाम कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त इस महफिल के लिए दिया है। बाबा जबलम नारे सलवात से आप आजाद इस्तकबाल करें अनवार रुदौलवी का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम हुई पानी अहले बैत को हज़रत अमीर उम्मीन इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम विलादत मुबारक हो। ये सलवात और पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सलवात और पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। लश्कर की क्या जरूरत है, बतौर खासियत समाज फरमाए वहाँ रसूल को,
लश्कर की क्या जरूरत है, जहां पे नादे अली पढ़ के काम चल जाए, वहां रसूल को लश्कर की क्या जरूरत है, जहां पे नादे अली पढ़ के काम चल जाए, हमें रसूल की नादे अली ने बतलाया, अली का नाम लो मुश्किल का दम निकल जाए, अली मुश्किल का दम निकल जाए। इस सलवार पढ़ते मोहम्मद वाले नारे तकबीर, नारे रिसाला, हैदरी, नारे सलवार। मन का पद के चंद अशार पेश कर दें, समाज फरमाए सलवात और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। है अधूरी सौ बरस भी आदमी की जिंदगी, जो अली का है मुकम्मल है उसी की जिंदगी, है अधूरी सौ बरस भी आदमी की जिंदगी, जो अली का है मुकम्मल है उसी की जिंदगी। शेर समाप्त फरमा के कि इस तरफ सोते हैं तलवारों के साए में अली, इस तरफ सोते हैं तलवार रोके साए में अली, बढ़ रही है उस तरफ पैगंबरी की जिंदगी, उस तरफ पैगंबरी की जिंदगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि दो दिलों की धड़कनों का नाम है दीने रसूल, दो दिलों की धड़कनों का नाम है दीने रसूल, एक हयाते फातिमा है एक अली की जिंदगी, एक हयात फातिमा है एक अली की जिंदगी। बतौर खास ये समाप्त हो मैं कि हम जलाते हैं वहां पर जिक्र हैदर के चराग, हम जलाते हैं वहाँ जिक्र हैदर के चराग, हम जलाते हैं वहाँ पर जिक्र हैदर के चराग, हम जलाते हैं वहाँ पर जिक्र हैदर के चराग,
रात जिस जगह दम तोड़ती है रोशनी की जिंदगी। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले समर्थ में हैदर से पाई है खुशी की जिंदगी आमदे हैदर से पाई है खुशी की। एक सलवात और पढ़ दे मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। मुस्कुरा कर कह रही है आज दीवारे हरम मुस्कुरा कर कह रही है आज दीवारे हरम आमदे हैदर से पाई है खुशी की जिंदगी आमदे हैदर से पाई है खुशी की जिंदगी। ये विषय समाज फरमाए कि करबला दिल में नहीं तो आ नहीं सकती मिठास करबला दिल में नहीं तो आ नहीं सकती मिठास आबे जमजम पी के भी रहती है फीकी जिंदगी। और ये विषय समाज फरमाए इस सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले कि करबला का तस्किरा ही तुझको रोके है वफा वरना रुखसत हो गई होती कभी की जिंदगी वरना रुखसत हो गई होती कभी की जिंदगी। नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। ये थे जनाब अनवार और रुदौलवी बेहतरीन तरन्नुम के शायर जिसका इंतज़ार था इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज के हमारे इस महफिल जश्न महफिल के मेहमान खुसूसी जनाब सैयद मुजाहिद हुसैन नकवी साहब चेयरमैन दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा व इमाम वेलफेयर सोसाइटी बाराबंकी तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि बावाज़े बुलंद नारे सलवात से इनका इस्तकबाल करें। आज के हमारे मेहमान खुसूसी काफ़ी मुश्किल और तवील सफ़र तय करते हुए हमारे बीच में पहुंचे हैं जो जोगीपुरा में थे लेकिन हम लोगों की गुजारिश कबूल की। यह हम सब के लिए बायस फ़ख्र है कि आप यहाँ पर इतने तवील सफ़र के बावजूद इतनी थकन के बावजूद भी तशरीफ़ लाए हैं। इसके लिए इंतज़ामिया कमेटी जुमला मोमिन मौधरी की जानिब से हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। तो आइए हजरात लगभग स्टेज पूरा हो चुका है जिन शख्सियतों को आना था वो तशरीफ़ ला चुके हैं। शोहरा से स्टेज भरा हुआ है माशाल्लाह आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ये हम सब के लिए बायस फ़ख्र है। आइए हजरात मैं जनाब अली अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा जो ज़ाकिर अहले बैत हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी आए हुए हैं और पप्पू भाई फाजिल साहब पप्पू भाई जो हैं वो वक्फ हाशमी बेगम मौधरी के मुतवल्ली मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ ले आएं। हमारे बड़े भाई स्वतंत्र कुमार जी आ चुके हैं हमारे बीच में मैं उनका भी
हार्दिक स्वागत करता हूँ, यूँ कहा जाए, उनका भी खैर मकदम करता हूँ, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ और बेहद उनकी मवद्दत और मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में अक्सर शिरकत होती रहती है जनाब स्वतंत्र साहब की। वहाँ ये आज इस छोटी सी बस्ती में तशरीफ लाए हैं, मैं इंतजामिया कमेटी और जुमला मोमिनीन की जानिब से उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। आइए हजरात, हमारे मेहमान खुसूसी अली जनाब सैयद मुजाहिद हुसैन नकवी साहब, चेयरमैन दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा की तशरीफ आदि हो चुकी है, मैं इनकी मवद्दत और मोहब्बत का बेहद शुक्रगुजार हूँ। हमारे इस स्टेज पर यहाँ पर मौजूद जनाब सूरज पाल साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आज के हमारे मेहमान खुसूसी की गुलपोशी के लिए आ गया है और उनका इस्तकबाल करें, उनका स्वागत करें। जनाब सूरज पाल राजवंशी साहब, बाबा से बलंद नारे सलवात। मैं जनाब फाजिल साहब पप्पू भाई से भी गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमारे मेहमान खुसूसी सैयद मुजाहिद हुसैन नकवी साहब का गुलपोशी करें और उनका इस्तकबाल करें। बाबा से बलंद नारे सलवात से आप हजरात हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद मुजाहिद हुसैन नकवी साहब। तो बाकायदा महफिल का आगाज हो चुका है, जैसा मैं पहले ही आपको बता रहा था कि अगर शाखों का जिक्र किया जाए और शजर का जिक्र ना हो तो शाखों का जिक्र कोई मायने नहीं रखता, बेमानी होती है वो शाखों की जिक्र। आइए मैं उसी शजर की हम्द सना के लिए हमारे इस स्टेज पर हमारे आज के मेहमान शायर बेहतरीन तरन्नुम के लबो लहजे के शायर यहां पर तशरीफ फरमा हैं, जनाब तालिब साहब जो आलापुर से तशरीफ लाए हुए हैं, बेहतरीन नात पाक के शायर हैं। मैं नात पाक के लिए गुजारिश करूंगा, अर्ज किया है कि सबसे कदीम बादे खुदा है मेरा रसूल। समझ फरमाएंगे अली भाई, सबसे कदीम बादे खुदा है मेरा रसूल, हर एक से शरफ में सिवा है मेरा रसूल। सबसे कदीम बादे खुदा है मेरा रसूल, हर एक से शरफ में सिवा है मेरा रसूल। तो माँ बहने आबो गिल था जब आदम का जिसमें पाक, उस वक्त भी रसूल रहा है मेरा रसूल, उस वक्त भी रसूल रहा है मेरा रसूल। आइए हजरात, मैं इन्हीं अशार के ज़हन में गुजारिश गुजार हूँ जनाब तालिब साहब से कि वो तशरीफ लाएं और नात पाक पेश करें। बाबा से बलंद नारे सलवात से आप हजरात उनका इस्तकबाल करें। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। हज़रात नाते पाक से कब आप हज़रात एक बार बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली नाते पाक का एक मतला दो तीन शेर। नाते पाक का मतला हाजिर करता हूँ, बतरे खास मुलाजा करें कि वो लोग काबिल सद एहतराम रहे ते हैं, वो लोग काबिले कि वो लोग काबिले सद है तराम रहे ते हैं,
कि जिनके सीनों में खैरुल अनाम रहे हैं, जिनके सीनों में खैरुल अनाम रहे ते हैं, वो लोग काबिल। और शेर बहुत शेर बतौर खास मुलाजम करें आता हूँ कि वहाँ बरसती है रहमत खुदा की आठों पहर, वहाँ बरसती है, वहाँ बरसती है रहमत खुदा की आठों पहर, जहाँ पे आका के सच्चे गुलाम रहते हैं, जहाँ पे आका के सच्चे गुलाम रहते हैं, वो लोग काबिले। और ये भी शेर देखे हजरात आता हूँ कि वो नाज खुद पकड़े जितना भी बजा है उन्हें, वो नाज खुद पकड़े, वो नाज खुद पकड़े जितना भी दरे रसूल पा जो सुबह शाम रहते हैं, दरे रसूल पा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। हजरत नाते पाक का एक मतलब चंद शेर और मुलाजा करते हैं। बताओ बताओ कि आज हैरत में है चांद तारे, आज हैरत में है चांद तारे, पूछते हैं ये क्या हो रहा है, आज हैरत में है चांद तारे, पूछते हैं ये क्या हो रहा है, आज हैरत में चांद तारे, पूछते हैं ये क्या हो रहा है, पूछते हैं ये क्या हो रहा है, नूर ही नूर फैला हुआ है, नूर ही नूर फैला हुआ है, किसका ये तज़किरा हो रहा है, फैला हुआ है, किसका ये तज़किरा हो रहा है, आज हैरत में है चांद तारे, पूछते हैं ये क्या हो रहा है, पूछते हैं ये क्या हो रहा है, नूर ही नूर फैला हुआ है, किसका ये तज़किरा हो रहा है। और शेर देखे बताओ कि नूर ही नूर फैला हुआ है, किसका ये तज़किरा हो रहा है, कि कितना पुर कैफ़ मंज़र है यारो, और फ़ज़ा भी महकने लगी है, और फ़ज़ा भी महकने लगी है, कितना पुर कैफ़ मंज़र है यारो, और फ़ज़ा भी महकने लगी,
है और फजा भी महकने लगी है। हर तरफ आज महफिल में देखो, हाँ देखो हर तरफ आज महफिल में देखो, मुर्तजा हो रहा है। हर तरफ आज महफिल में देखो, हाँ देखो हर तरफ आज महफिल में देखो, मुर्तजा हो रहा है। नूर ही नूर फैला हुआ है, किसका ये तज़किरा हो रहा है। और ये भी शेर बतरे खास मुलाजा कर हजरत कि गोद में मुस्तफा की पली है, गोद में मुस्तफा की पली है और उस पर है खातून जन्ना, और उस पर खातून जन्ना। गोद में मुस्तफा की पली है, गोद में मुस्तफा की पली है और उस पर है खातून जन्नत, और उस पर है खातून जन्नत। गोद में मुस्तफा की पली है और उस पर है खातून जन्नत, और उस पर है खातून जन्नत। दो जहां में नहीं सिर्फ यूं ही, हाँ यूं ही दो जहां में नहीं सिर्फ यूं ही, फातिमा हो रहा है। दो जहां में नहीं सिर्फ यूं ही, फातिमा हो रहा है। नूर ही नूर फैला हुआ है, किसका ये तज़किरा हो रहा है। और मकतब मुलाजा कर हजरत आता कि होगे रहमत के बारिश यकीनन, और हम सब नहाएंगे तालिब, और हम सब नहाएंगे तालिब। होगे रहमत के बारिश यकीनन, और हम सब नहाएंगे तालिब, और हम सब नहाएंगे तालिब। खुश नसीबी से अपनी यहाँ पर, यहाँ पर खुश नसीबी से अपनी यहाँ पर, जिक्र खैरुल फरा हो रहा है। खुश नसीबी से अपनी यहाँ पर, जिक्र खैरुल फरा हो रहा है। नूर ही नूर फैला हुआ है, किसका ये तज़किरा हो रहा है। और मनकबत का एक पद्दा देते हैं शेर आता मुलाजा कर लें साहब अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह या अली। सुने हजरत आता हो कि उन्हीं पर होती है रहमत अली की, उन्हीं पर होती है रहमत अली की, उन्हीं पर होती है रहमत अली की। दिलों में जिनके है उल्फत अली की, दिलों में जिनके है उल्फत अली की, और उखाड़ा बाब खैबर एक पल में, उखाड़ा बाब खैबर एक पल में।
कोई दे के जरा ताकत आने की, कोई दे के जरा ताकत अली की। और एक शेर और सुनने जरा आता कि न वाकिफ हो जो उनके मर्तबे से, न वाकिफ हो जो उनके मर्तबे से। अरे कहो उस से पढ़े सीरत अली की, कहो उस से पढ़े सीरत अली की। और आखिरी शेर आता हो कि मकाबिल जो भी आता कांप उठता, मकाबिल जो भी आता कांप उठता, अजबपुर रौब थी सूरत अली। भाई सुभानअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत हो माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। तो ये थे जनाब तालिब साहब जो आलापुर से तशरीफ लाए हुए थे, बेहतरीन तरन्नुम में नाते पाक के अशार पेश कर रहे थे। आप हजरात सलाम है आपकी समातों को, बेहतरीन तरीके से आप लोग समात भी फरमा रहे थे, बेहद आपकी मोहब्बत और मवद्दत का शुक्रगुजार हूँ। आइए हजरात, मैं बिना किसी तमहीद के अगले शायर अहले बैत को गुस्से गुजारिश करूँगा। अर्ज किया है कि हो जाए क्यों ना सारे गुलिस्तान के हार फूल, हो जाए क्यों ना सारे गुलिस्तान के खार फूल, हर सिमत से बरसते हैं महफिल में हार फूल। हो जाए क्यों ना सारे गुलिस्तान के खार फूल, हर सिमत से बरसते हैं महफिल में हार फूल। तो पैदा हुए अली व लकी बाकरो तकी, माहे रजब में हक ने खिलाए हैं चार फूल, माहे रजब में हक ने खिलाए हैं चार फूल। आइए हजरात, मैं इन्हीं अशार के ज़ैल में गुजारिश गुजार हूँ जईम किंतूरी साहब से कि वो जईम किंतूरी साहब हमारे आज के मक्ते महफिल बड़े ही मोतबर शायर अहले बैत जनाब रईस अंसारी साहब का हुक्म है कि मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर दूं कि जो हजरात बिखरे हुए हैं वो सिमट आए। ये खला जरूरी नहीं है कि खला हो, खला को हटा दें, क्योंकि आप मुहिब्बान अहले बैत हैं और मुहिब्बान अहले बैत के दरमियान खला की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए मैं बिला फसल के मानने वाले हैं आप लोग, तो ये फासला थोड़ा सा कम कर लें। मैं का बाकायदा आगाज हो चुका है, ज़ईम किंतूरी साहब आपके पाकिजा समातों के हवाले बावाज़े बुलंद नारे सलवा से आप हजरात उनका इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हजरात सलाम अलैकुम, आपको विलादत व सआदत इमाम अली अलैहि सलातो व सलाम मुबारक हो। सलवात पढ़ दें, झूठों की गवाही मत मानो, झूठों की गवाही मत मानो, बदनाम अदालत होती है, झूठों की गवाही मत मानो। ओ हकदार का हक जब छिनता है, हकदार का हक जब छिनता है, अल्लाह की लानत होती है, हकदार का हक जब छिनता है।
अब हुलोल ने बस दो दिरहम में, बहुलोल ने बस दो दिरहम में, फिर दोस जुबैदा को दे दी शैदाए अली की नजरों में। जन्नत की ये कीमत होती है शैदाए अली की नजरों में, और शहजादी ये इस्मत जहरा की, शहजादी ये इस्मत जहरा की, अजमत को कोई क्या समझेगा जब उनकी कनीज़ा फिजा की हर बात में आयत होती है, जब उनकी कनीज़ा फिजा की, ओ बस एक अली है आलम में, बस एक अली है आलम में, जिसको ये शरफ हक ने बख्शा काबे में विलादत होती है, मस्जिद में शहादत होती है, काबे में विलादत होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह की नजरों में ये अजमत है अली की, अल्लाह की नजरों में ये अजमत है अली की, माबूद का घर जाए विलादत है अली की, माबूद का घर जाए विलादत है अली की, ओ कौनैन का हर एक, कौनैन की हर एक इबादत से भी अफजल, कौनैन की हर एक इबादत से भी अफजल, खंदक की फकत एक ही ज़र्बत है अली की, खंदक की फकत एक ही ज़र्बत है अली की, और खुद ख़ाहर मक़तूले अली यूं हुई गोया, खुद ख़ाहर मक़तूले अली यूं हुई गोया, बेमिसल ज़माने में शराफत है अली की, बेमिसल ज़माने में, ओ साइल भी इबादत भी निगाहों में खुदा भी, साइल भी इबादत भी निगाहों में खुदा भी, अल्लाह ने क्या शान सखावत है अली, क्या शान सखावत है अली की, ओ है गोया सुखन है जे, है गोया सुखन है जे बलागा का ये अब तक
देखो तो जरा कैसी फसाहत है अली की, देखो तो जरा कैसी, ओ हम छोड़ दें किस तरह दयाले नबी को, हम छोड़ दें किस तरह दयाले नबी को, हैरान हमें जब के जरूरत है अली की, हैरान हमें जब के तो ये थे ज़ईम किंदूरी साहब जो बेहतरीन मखसूस अंदाज में आपके कुलूब को मनवर फरमा रहे थे। आइए हजरात बिना किसी तमहीद के, मसला ये है कुमैल साहब है नहीं शायद मेरे पास, तो मैं दो मिसरे पढ़ना पड़ेगा वरना शायद मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था। अर्ज किया है कि किस कदर तब्दील हो जाएगा मंजर देखना, किस कदर तब्दील हो जाएगा मंजर देखना, जब अली आ जाए तो अल्लाह का घर देखना, किस कदर तब्दील हो जाएगा मंजर देखना, जब अली आ जाए तो अल्लाह का घर देखना, परचमे अब्बास ने बख्शी है हमको इज्जते मिसरा, पलट के पढ़ देता हूँ, इज्जते बख्शी है हमको परचमे अब्बास ने, हमने सीखा ही नहीं नजरे झुका कर देखना, इज्जते बख्शी है हमको परचमे अब्बास ने, हमने सीखा ही नहीं नजरे झुका कर देखना। तो ये सबक बीते गया है 6 महीने का अली, मौत से जब सामना हो मुस्कुरा कर देखना, मौत से जब सामना हो मुस्कुरा के देखना। ये हजरत इन अशआर के ज़िल में मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब कुमैल साहब से कि वो तशरीफ लाएं और बेहतरीन तरन्नुम के शेर पढ़ते हैं। कुमैल साहब आप हजरत से गुजारिश है कि बावाज़े बुलंद नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। सबसे पहले मैं जश्न की सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दो शेर सवाबन आयतों को दे रही है मदहे हैदर रोशनी, आयतों को दे रही है मदहे हैदर रोशनी, आयतों को दे रही है मदहे हैदर रोशनी, और लफ्ज कागज पर उतर आए पहनकर रोशनी, आयतों को दे रही है मदहे हैदर रोशनी, लफ्ज कागज पर उतर आए पहनकर रोशनी, तो आज अबू तालिब का घर अल्लाह ने रोशन किया, आज अबू तालिब का घर अल्लाह ने रोशन किया, आज अबू तालिब का घर अल्लाह ने रोशन किया, आज अबू तालिब ने की अल्लाह के घर रोशन, सुभान अल्लाह, अबू तालिब के घर अल्लाह ने रोशन किया, आज अबू तालिब ने की अल्लाह के घर रोशनी, सलवा पढ़ दूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि हम मदहे अली में दार पे भी लफ्जों को रवानी देते हैं, कटती है जबान कट जाए मगर पैगाम जबानी देते हैं, कटती है जबान कट जाए मगर पैगाम जबानी देते हैं, तो शाहिद है अदाए मीसम की हम हैं वो अली के दीवाने, जिस पेड़ पे फांसी लगनी है उस पेड़ को पानी देते हैं, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, वाह वाह, बहुत खूब लगनी है उस पेड़ को फांसी, तो पेशानी हुर पे ये कह के रूमाल को बांधा सरवर ने, जन्नत भी फिदा हो
जाएगी हम ऐसी निशानी देते हैं जन्नत भी फिदा हो जाएगी। एक सलवात पढ़ दूंगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुर्बान हुए जब रन में हबीब पैगाम दिया दुनिया को अजीब। कुर्बान हुए जब रन में हबीब पैगाम दिया दुनिया को अजीब। हम अपनी ज़ईफ़ी के बदले मजहब को जवान मजहब को जवानी देते हैं। कुर्बान हुए जब रन में हबीब पैगाम दिया दुनिया को अजीब। हम अपनी ज़ईफ़ी के बदले मजहब को जवानी देते हैं। कातिल को पिलाया हैदर ने लश्कर को पिलाया सरवर ने। वाह बहुत चमत्कार भाई। कातिल को पिलाया हैदर ने लश्कर को पिलाया सरवर ने। ये ऐसे घराने वाले हैं दुश्मन को भी ऐसे घराने वाले हैं दुश्मन को भी पानी देते हैं भाई। सुभान अल्लाह। घराने वाले हैं दुश्मन को भी पानी देते हैं। बहुत खूब जजाक अल्लाह। बहुत खूबसूरत तरन्नुम में बेहतरीन लबो लहजे में ये थे कुमैल साहब। आइए हजरात मैं बिना कोई शेर पढ़े हुए मैं आवाज़ देना चाहूँगा गुजारिश करना चाहूँगा जनाब आकिल साहब से कि वो तशरीफ ले आए आवाज़ बुलंद नारे सलवात से आप हजरात इस्तकबाल करें। बहुत खूबसूरत तरीके से आप इस महफिल को सुन रहे हैं माशाल्लाह। सलामत रखें मौला आप सबकी शौक समातों को। बहुत ही बेहतरीन खुलूस और मोहब्बत के साथ आप हजरात जो भी शोरा हैं जो शायरे अहले बैत हमको समात फरमा रहे हैं। आइए हजरात जनाब आकिल साहब। आज मौला अली की विलादत है और उनकी विलादत का यह जश्न हो रहा है। इसमें एक जश्न और भी शामिल है। ये हमारी ज़िंदगी की पहली मनकबत है जो पहली बार हम पढ़ने जा रहे हैं और अगर कुछ भी 19-20 हो तो आराम से सुन ले। 25-30 होगा आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अली जो कहेगा उसका चेहरा चमकता रहेगा। क्या बात है भाई बाबा। अली जो कहेगा उसका चेहरा चमकता रहेगा। दूर होंगे गमों के अंधेरे दूर होंगे गमों के अंधेरे। जिंदगी में उजाला रहेगा। या अली क्या बात है भाई आकिल साहब। जो कहेगा उसका चेहरा चमकता रहेगा। जिसने आले नबी को सताया जिसने बिनते नबी को रुलाया। दिल सखी बदनसब है वो इंसान जिसने कौले नबी को भुलाया। नूर को नूर जिसने न माना
ता कयामत वो अंधार नूर को नूर जिसने न माना ता कयामत वो अंधार कयामत वो अंधा रहेगा। रोटियां लेने आए फरिश्ते सैयदा का वो घर है जहां में एक सवाली भी खाली ना लौटा सैयदा का वो दर है जहां में जो दरे सैयदा पर ना आया जो दरे सैयदा पर ना आया काबा महशर भटकता रहेगा या अली या अली जो कहेगा उसका चेहरा चमकता रहेगा। जिसने मुंह मोड़ा मुश्किल कुशा से दूर हो गया फिर खुदा से जिसकी वाबस्तगी ही नहीं है अभी दरवाज़े सैयदा पे दहर में जिंदगी भर वो ठोकर यूं ही खाता रहेगा। या अली या अली जो कहेगा उसका चेहरा चमकता रहेगा। बहुत खूब बहुत खूब। या अली जो कहेगा उसका चेहरा चमकता रहेगा। आपको देख के एहसास भी हो रहा है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। जज़ाकअल्लाह बहुत ही बेहतरीन लबो लहजे में अपने कलाम को पेश कर रहे थे जनाब आकिल साहब। आइए हजरत अली के दर का जो सच्चा गुलाम होता है जहां में उसका बड़ा एहतराम होता है। अली के दर का जो सच्चा गुलाम होता है जहां में उसका बड़ा एहतराम होता है तो जमाना याद रखे जिसको एक जमाने तक वो अच्छा नाम नहीं अच्छा काम होता है वो अच्छा नाम नहीं अच्छा काम होता है। आइए हजरात बिना किसी तमीज के मैं गुजारिश गुजार हूँ शबी अहमद आब्दी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में अपना कलाम पेश करें। बाबा से बड़म नारे सलवात से आप हजरात इनका इस्तकबाल करें। अली अली हजरात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को विलादत बा सआदत अमीरुल मोमिनीन इस्लाम मुबारक हो आपको भी। और चार मिसरे पढ़ने से कबल आपको भी शुक्रिया। जो हमारे यहाँ का प्रोग्राम हो रहा है मोथरी में वैसे हम मेहमान नहीं हैं मेज़बान हैं आके पप्पू भाई की तरफ से और उसी के हवाले से ये चार मिसरे बतौर खास जितने भी सामईन यहाँ पे मौजूद हैं किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हो हमारा मकसद है दिलजोई एकजोई और एकता और इत्तेहाद। उसी के हवाले से ये चार मिसरे जो लोग भी हमारे पप्पू भाई की नहीं से आवाज पे यहाँ तशरीफ ले आए हैं उनके लिए खास तौर से मुजाहिद भाई अंदर है वो भी ये मिसरे खास तौर से समाप्त फरमाए समाप्त फरमाएंगे। खुश रहें खुश रहें आज के ये जश्न मनाने वाले खुश रहें कि आज ये जश्न मनाने वाले शादो आबाद रहें हम सबको बुलाने वाले खुश रहें आज के ये जश्न मनाने वाले शादो आबाद रहें हम सबको बुलाने वाले ओ साल आइंदा फिर करे खुशी की महफिल साल आइंदा फिर करे खुशी की महफिल सब सलामत रहे मीलाद में आने वाले भाई सब सलामत रहे मीलाद में आने वाले मीलाद में आने वाले सब सलामत रहे। मेरे ख्याल से जो कुर्सियां हैं उनके से हाथ वाथ नहीं उठ रहे लिहाजा जो है या तो बैक साइड में कर दी जाए या पीछे वालों को आगे बुला लिया जाए। खुश रहे कि आज ये जश्न
बनाने वाले, शादो आबाद रहे हम सबको बुलाने वाले, साल आइंदा करें फिर खुशी की महफिल, सब सलामत रहे मीलाद में आने वाले, सब सलामत रहे मीलाद में आने वाले। जैसा कि हमारे नाजिम साहब को हुक्म भी हुआ है कि शौरा से जल्दी जल्दी करवाइए, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों की समातों के हवाले जल्दी जल्दी दो चार शेर और पहुँचा ले जाऊँ। एक बार नारे सलवात का सहारा, बतौर खास चार मिसरे आपको नजर करता हूँ मैं, समात फरमाए। अली ने नफ्स बेच के मर्जी रब ले ली, अली ने नफ्स बेच के मर्जी रब ले ली, पिसर सरदार थे जागीरे जन्नत सबके सब ले ली, पिसर सरदार थे जागीरे जन्नत सबके सब ले ली, नहुसत तीन तेरा की जिस दम हो गई जायल, पिसर ने तीन शाबा बाप ने तेरा रजब ले पिसर ने तीन शाबा बाप ने तेरा रजब ले ली, तीन शाबा बाप ने तेरा रजब ले ली। ये हमारे छोटे भाइयों के हवाले से यही मिसरे को बदल के समाप्त फरमाए। एक तो जन्नत का बन के ऑफिसर आ गया, आप लोग इधर आ जाओ, तो हमें आसानी हो, माइक भी एक तो जन्नत का बन के ऑफिसर आ गया, चितंचा देखिएगा, एक तो जन्नत का बन के ऑफिसर आ गया, एक फुल पावर लिए काबे के अंदर आ गया, एक फुल पावर लिए काबे के अंदर आ गया भाई, वाह। एक तो जन्नत का ऑफिसर बन के आ गया, एक फुल पावर लिए काबे के अंदर आ गया, और तीन तेरा की नहुसत अब कहां बाकी, तीन को सन तेरा को फादर आ गया, तीन को सन तेरा को फादर आ गया, तीन विलादत बसादत और तेरा रजब मौलानी। एक बार नारे सलवात का सहारा लो, बिल्कुल ताजे सलाम के एक मतलब दो तीन से, शुक्रिया शुक्रिया बहुत मौलाली के हवाले से कि अजिया नसीब देखिएगा, अल्लाह फरमाए देखिएगा, मतलब हाजिर करता हूँ। सजी है बज़्म नूरानी खुशी की बात करते, सजी है बज़्म नूरानी खुशी की बात करते हैं, अबू तालिब के बेटे की अली की बात करते हैं। बहुत आहिस्ता पढ़ेंगे हम, क्योंकि आप लोग भी उतना साथ दे नहीं पा रहे और हम भी जल्दी में। सजी है बज़्म नूरानी खुशी की बात करते हैं, अबू तालिब के बेटे की अली की बात करते हैं, खुदा का जिक्र करते हैं नबी की बात करते हैं, खुदा का जिक्र करते हैं नबी की बात करते हैं, कलाम पाक के सूरे अली की बात करते हैं, कलाम पाक की सूरत अली की बात करते हैं, खुदा का जिक्र करते हैं नबी की बात करते हैं, और कलाम पाक के सूरे अली की बात करते हैं, अली आला अली अफजल अली दामाद पैगंबर, अली आला अली अफजल अली दामाद पैगंबर, अली हमसर है जहरा का उसी की बात करता, और हवा कैसे बुझाएगी, हवा कैसे बुझाएगी चिराग जिक्र हैदर को, हवा कैसे बुझाएगी चिराग जिक्र हैदर को, वही फखरे सुलेमा है उसी की बात करते हैं, वही फखरे सुलेमा है उसी की बात करते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हवा कैसे बुझाएगी चिराग जिक्र हैदर को, हवा कैसे बुझाएगी चिराग जिक्र हैदर को, वही फखरे सुलेमा है उसी की बात करते हैं, और जिन्हें जिक्र अली मुर्तजा अच्छा नहीं लगता, बरा जो लोग आए हैं उनको तो अच्छा लगता तभी तो आए हैं। एक बार नारे सलवात का सहारा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बतौर खास समात फरमाइएगा। जिन्हें जिक्र अली, जिन्हें जिक्र अली मुर्तजा अच्छा नहीं लगता, वो दुश्मन है अली के, वो दुश्मन है अली के खुदकुशी की बात करते हैं, जिन्हें जिक्र अली मुर्तजा अच्छा नहीं लगता, जिन्हें जिक्र अली मुर्तजा अच्छा नहीं लगता, वो दुश्मन है अली के खुदकुशी की बात करते हैं, जो है बहलोल के शैदा, जो है बहलोल के शैदा, जो है कंबर के शैदाई, जो है बहलोल के शैदा है, जो कंबर के शैदाई, जमाने में वही दरिया दिली की बात करते हैं, वही जमाने में दरिया दिली की वही जमाने में दरिया दिली की, जो है हैदरी मोहम्मद जो है बहलोल के शैदा, जो है कंबर के शैदाई,
जमाने में वही दरिया दिली की बात करते हैं, जमाने में वही दरिया दिली की बात करते हैं, वो जिसके नूर से दुनिया, वो जिसके नूर से दुनिया ने शबी रोशनी पाई, वो जिसके नूर से, मक्ता कहना पड़ेगा, वो जिसके नूर से दुनिया ने शबी रोशनी पाई, चलो उस आदमी उस जौहरी की बात करते हैं, चलो उस आदमी उस जौहरी की बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है, जौहरी की बात करते हैं, बिल्कुल इख्तसार से काम लिया, इंशाल्लाह कभी फिर महफिल होगी तो हाजिर होऊंगा। नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे नारे सलवा सल्लल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में जनाब शबी हैदर आब्दी साहब आपके कुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। समात आपकी जो समाते हैं उनको सलाम करता हूँ, वो भी क्यों ना आशिक अली जो होते हैं उनकी समातें कभी कमजोर भी नहीं होती। जो भी हजरात बाहर की तरफ हैं, मैं उनसे फिर एक बार मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वो फर्श मसर्रत पर आ जाए। बचपन में मैं जब स्कूल जाता था तो वहां पर एक बार एक ऐसी कंडीशन हुई कि कुछ बच्चे क्लास के बाहर खड़े हुए, तो मैंने पूछा मास्टर साहब से कि मास्टर साहब वाकया क्या है कि कुछ बच्चे क्लास के अंदर हैं कुछ बच्चे क्लास के बाहर हैं, तो मास्टर साहब ने मुझे बताया कि दरअसल इनको सजा दी गई है, ये ढंग से नहीं पढ़ रहे थे इसलिए वो क्लास के बाहर कर दिए गए हैं, जिनको दर्स हासिल करना है वो क्लास के अंदर हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो लोग बाहर हैं वो सजा पाए हुए लोग नहीं हैं, उनको भी यहाँ आके दर्स हासिल करना चाहिए इस फर्श मसर्रत पर। मैं एक बार मुअत्तबाना गुजारिश करूंगा कि जो हजरात इधर उधर तशरीफ रखते हैं वो फर्श मसर्रत पर तशरीफ ले आए। महफिल अपने शबाब पर है, मैं सलाम करता हूँ आपकी ज़ौक व समात को, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप हजरात इस महफिल को समात कर रहे हैं। आइए हजरात कि सजाए महफिल मिदहत तेरे अंसार बैठे हैं, सजाए महफिल मिदहत तेरे अंसार बैठे हैं, तेरी गैबत को होठों पर लिए इकरार बैठे हैं, ताली वालों का जज्बा देखकर लगता है ये मुझको मेरी महफिल में जैसे मीसमो तम्मार बैठे हैं, मेरी महफिल में जैसे मीसमो तम्मार बैठे हैं। आइए हजरात इन्हीं अशार के ज़ैल में मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब सैयदैन साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सबको मुस्तफीज करें। बाबा से बुलंद नारे सलवा से आप हजरत सैयदैन साहब का इस्तकबाल करें। सुबह के साथ दिल बाला, नारा हैदरी। सामाईन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मौला अली की शान में मनकबत के कुछ शेर आप लोगों के नजराने अकीदत पेश करना चाहता हूँ। इरशाद है, खुशी की बज्म सजी है तो कोई बात नहीं, खुशी की बज्म सजी है तो कोई बात नहीं, जो जिक्र जिक्र अली है तो कोई बात नहीं, खुशी की बज्म सजी है तो कोई बात नहीं, जो जिक्र जिक्र अली है तो कोई बात नहीं, खुदा की बात भी होगी इसी बहाने से, खुदा की बात भी होगी इसी बहाने से, अली की बात चली है इसी बहाने से, अली की बात चली है इसी बहाने से, खुदा की बात भी होगी इसी बहाने से, अली की बात चली है इसी बहाने से। और शेर अर्ज़ है, खुदा की राह में बढ़ते हैं मुर्तजा के कदम, खुदा की राह में बढ़ते हैं मुर्तजा के कदम, अगर वो दोष नबी है तो कोई बात नहीं, खुदा की राह में बढ़ते हैं मुर्तजा के कदम, अगर वो दोष नबी है तो कोई बात नहीं, न भूल कर ये कहें
न भूल कर ये कहा है अली का नाम खुदा। और से ये सुनिएगा, न भूल कर ये कहा है अली का नाम खुदा, ये खुदा का वली है तो कोई बात नहीं। ये खुदा का वली है तो कोई बात नहीं। जो जिक्र अली है तो कोई बात नहीं। एक नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जजाक अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। ये थे जनाब सैयद रिजवी साहब जो अपने कलाम आपके खदमत में पेश कर रहे थे। आइए हजरात, जमाने में हक के वली आ रहे हैं, जमाने में हक के वली आ रहे हैं, ये महफिल है जिनकी वही आ रहे हैं। जमाने में हक के वली आ रहे हैं, ये महफिल है जिनकी वही आ रहे हैं, तो हटाना न राहों से पलकों को अपनी, कि महफिल में मौला अली आ रहे हैं, कि महफिल में मौला अली आ रहे हैं। आइए हजरात, इन्हीं अशार के ज़ैल में मैं अदब व एहतराम गुजारिश गुजार हूँ हमारे मेहमान शायर अहले बैत जनाब मुजफ्फर इमाम साहब से, कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशार से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। जनाब मुजफ्फर इमाम साहब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात सामीन सलामुन अलैकुम। आप सभी हजरात को इस पुरनूर जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिलकर अजमत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात। अब पढ़ने से पहले शबी भाई की फरमाइश पे चार मिसरे हजरात, हमारे ज़ाकिर अहले बैत जनाब अली अब्बास साहब ने इस खूबसूरत महफिल को सजाया है, जिसमें जनाब नसीर अंसारी साहब भी मौजूद हैं और सूरज पान साहब भी और हमारे मुजाहिद चचा साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हुए हैं। ये चार मिसरे ख़ास तौर से इंतज़ामिया कमेटी जिसने भी इस महफिल का इनकार किया। हजरात सुनिए ज़रा बतौर ख़ास, अरे बात भाई सुनिएगा, कि एक बात सुनो लोगों, ये राज बताना है। एक बात सुनो लोगों, ये राज बताना है। एक बात सुनो लोगों, ये राज बताना है। ये राज बताना है, हर साल यूं ही मिलकर ये जश्न मनाना है। यूं ही मिलकर मनाना है, हर साल यूं ही मिलकर ये जश्न मनाना है। तो हजरात कैसे मनाते हैं जश्न हजरात बतौर खास, कि तारीख नबी पढ़कर एहसास हुआ दिल में। समाज फरमाएंगे हजरत बतौर खास, तारीख नबी पढ़कर एहसास हुआ दिल में, एहसास हुआ दिल में, इखलाक मोहब्बत से नफरत को मिटाना। मोहब्बत से नफरत को मिटाना है, इखलाक मोहब्बत से नफरत को मिटाना है। बता दे भी चार विषय बतौर खास, अभी नाज़िम महफिल जनाब मुसन का तस्करा करे जरा बतौर खास सुनिए हज़रात, के इश्क़े अली में हो के तो बीमार देखिए। ऐसा बतौर खास, इश्क़े अली में हो के तो बीमार देखिए, बीमार देखिए, मेहमान होगा कुल्द का सरदार देखिए, मेहमान होगा कुल्द का सरदार देखिए। मदहे अली में जज्बाए मीसम दिखाऊंगा, मीसम दिखाऊंगा, ले जाके मुझको आप
आप सरेदार देखिए, ले जाके मुझको आप सरेदार देखिए, ले जाके मुझको आप सरेदार देखिए, ले जाके मुझको आप सरेदार देखिए। रात ये भी चार मिनट बता रहे खास कि अल्लाह जानता है पयंबर का मर्तबा। सुनिए जो नबी की मोहब्बत वाले अजीब मोहब्बत वाले हजरत बता रहे खास कि अल्लाह जानता है पयंबर का मर्तबा, पयंबर का मर्तबा, और जानते रसूल है हैदर का मर्तबा, और जानते रसूल है हैदर का मर्तबा। आए हैं जब से खाने काबा में मुर्तजा, काबा में मुर्तजा, तब से बढ़ा है खाने दावर का मर्तबा, तब से बढ़ा है खाने दावर। हजरत एक कसीदे के चंद अशआर हजरत पेश करना चाहता हूँ। हजरत ये तकरीबन 5 साल पहले सरजमीन महाराष्ट्र में मुंबई की महफिल में जनबिया में एक मिसरा हुआ था। हजरत चंद मिसरे हजरत आपके अजाने लिखा हवाले पेश करना चाहता हूँ। इस सलवार पढ़ लीजिए हजरत। कि जो मालिक के आने की हलचल मची है। सुनिए हजरात इसका जो मतलब हजरात है उसकी आमद में चार शेर हजरात बतौर खास। कि जो मालिक के आने की हलचल मची है, लबे गुंचा बाहे, लबे गुल हसी है, लबे गुंचा बाहे, लबे गुल हसी है, उधर खारों में है अजब चहमगोई, हमें काटे जाने की आई घड़ी है, हमें काटे जाने की आई घड़ी है, कमर जब इमामत का चमका जहां में, कमर जब इमामत का चमका जहां में, चमक चांद तारों की हल्की मिली है, चमक चांद तारों, शायरी सुनिए जरा बतौर खास, चमक चांद तारों की हल्की मिली है। हजरत ये अपने शेर बहुत अच्छे सुने हजरत, ये मतलब बतौर खास हजरत, अली की विलादत कितनी खुशी है, अंदर भाई बतौर खास कितनी खुशी है, अली की विलादत कितनी खुशी है, जिदारे हरम खिले खिला के हसी है, नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह, अली अली की विलादत कितनी खुशी है, जिदारे हरम खिले खिला के हसी है। हजरत एक शेर बतौर खास सुने हजरत, जहां भी हजरात सुनूंगे हजरात, कि खुदा ने बना डाला पत्थर का उनको, के जिनके यहाँ ना खुशी है गमी है, खुशी है गमी है। हजरात जब पीछे बतौर खास रात मौलाए कायनात की एक सिफत हजरा बतौर खास सुने हजरा बतौर खास,
कि कभी भी ये दुनिया के पीछे न भागे, इन्हीं के इशारों पे दुनिया चली है। दुनिया चली है इन्हीं के इशारों, मुजफ्फर नहीं हो महशर का मुझको, मेरे दिल में हुबे अली है अली है, मेरे दिल में हुबे। चार मिसरा जात और बतौर खास सुने जरात, आता हो ये हमारे अख्तर भाई की ये फरमाइश है, बतौर खास रात सुने कि शहरे बारा बंकी में, क्या बात है बेटा, शहरे बारा बंकी में जश्न हम मनाते हैं, शहरे बारा बंकी में जश्न हम मनाते, शहरे बारा बंकी में जश्न हम मनाते हैं, बेवफाओं को मिलकर हम सभी जलाते हैं, सख्तियां हजारों हो या खिंची हो दीवारें, सख्तियां हजारों हो या खिंची हो दीवारें, बाबा फाकी महफिल में बाबा फाहियाते हैं, शहरे बारा बंकी में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। ये थे मुजफ्फर इमाम साहब जो अपने बेहतरीन तरन्नुम में, बेहतरीन लबो लहजे में बेशकीमती अपने अशआर पेश कर रहे थे, आपके कुलूब के को मुनव्वर फरमा रहे थे, आप हजरात मुस्तफीज हो रहे थे। वाकई बेहतरीन अशआर इस महफिल में पेश कर रहे थे मुजफ्फर इमाम साहब। आइए हजरात, महफिल जिस शबाब पर है ऐसा लगता है कि इख्तिताम की मंजिल तक नहीं जा रही है बल्कि अभी शुरू हुई है। मैं एक बार फिर से आपकी ज़ौक़े समात को सलाम करता हूँ, हो भी क्यों ना ये पंजतन पाक के मानने वालों की ज़ौक़े समात है, बहुत खूबसूरत होती है। आइए हजरात, जिस महफिल में, हमारी महफिल में एक ऐसा नगीना, एक ऐसा हीरा यहाँ पर इस स्टेज पर मौजूद है, मैं उसको आवाज़ दूँ। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ हजरात, मौलाए कायनात सिर्फ मुसलमानों के लिए नमूने अमल नहीं बल्कि पूरी आलम इंसानियत में, पूरी आलम इंसानियत के लिए नमूने अमल हैं, जिसमें न मुल्क की कैद है न मजहब की कैद है। जब अली के नमूने अमल का अक्स लोगों तक पहुंचता है तो कोई उसमें सूरजपाल जैसी शख्सियत मौला अली की नूर से फैज हासिल करके ऐसे स्टेज पर आता है। आइए हजरात, मैं चार मिसरों के ज़ैल में उसको आवाज दूंगा, जलवे हक के लिए शाहिद ऐनी होगा, जलवे हक के लिए शाहिद ऐनी होगा, ना तो हिंदू ना तो मुस्लिम ना तो जैनी होगा, जलवे हक के लिए शाहिद ऐनी होगा, ना तो कोई हिंदू ना तो मुस्लिम ना तो जैनी होगा, सर झुका देगा जो आकर सरे दरगाह हुसैन, किसी मजहब का भी हो लेकिन वो हुसैनी होगा, किसी मजहब का भी हो लेकिन वो हुसैनी होगा। आइए हजरात, मैं पादबो हैदराम गुजारिश गुजार हूँ, जनाब सूरजपाल राजवंशी साहब हमारे बीच में यहाँ स्टेज पर आए हुए हैं, वो आएं और अपना इजहार ख्याल, अपना वक्तव्य आप तक पहुँचाएं, अपने दिल की आवाज पहुँचाएं, बावाज़े बुलंद नारे सलवात से आप हजरात का इस्तकबाल करें। आप हजरात से गुजारिश है कि सूरजपाल भाई हमारे जो हैं, इनकी एक दिली तमन्ना है कि आप लोग दुआ करिए कि ये करबला हो जाए ज़ियारत पर, और
ये बहुत ज्यादा जस्तजू में है कि किसी तरह से कोई रास्ता निकले हुए करबला होकर आए, और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं, दुआ भी करते हैं, जल्द से जल्द पहुंचे हैं, और यही नहीं पहुंचे बल्कि पूरे हिंदुस्तान को लेकर पहुंचे हैं। वही आमीन। यहाँ पर उपस्थित सभी आज के मौलाए कायनात को मैं मौला के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। मैं अपनी एक शेर के माध्यम से शुरू कर रहा हूँ। सफर तवील है, उम्रे दराज छोटी है। सफर तवील है, उम्रे दराज छोटी है। अली का जिक्र बहुत है, हया छोटी है। अरे भाई वाह 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 वाह, सफर तवील है, उम्रे दराज छोटी है। वाह। अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, बड़ा है नाम अली का है ना छोटी है। भाई वाह 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 वाह, बड़ा है नाम है अली का है ना छोटी है। भाई जिंदा वाह 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 वाह, सूरत साहब वाह वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई सूरतपाल भाई। वाह 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 वाह, आज हम पहली बार प्रोग्राम में और स्टेज पर चढ़े हैं, क्षमा चाहेंगे। हम आज हमें लग रहा है कि हमने जीवन में अपने कोई नेक काम किया है, जिसलिए आज जो है मुझे इस मुकद्दस दिन पर मुकद्दस स्टेज पर आने का गौरव प्राप्त हुआ। अरे वाह 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 वाह, मुझे ऐसा लगा। इसके लिए मैं जनाब अली अब्बास साहब को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाह भाई बहुत अच्छा। चार मैं ऊपर पढ़ूंगा, यही से अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। या अली तेरा हसी नाम भला लगता है। या अली तेरा हसी नाम भला लगता है। या अली तेरा हसी नाम भला लगता है, तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता है। तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता है। वाह 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 वाह। लोग कहते हैं तेरे इश्क में, लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको। क्या बात है। लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, और मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता है। दोबारा पढ़ेंगे ये विषय भाई। वाह 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 वाह, दोबारा पढ़िए भाई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई। वाह वाह वाह, जज़ाकअल्लाह। वाह वाह, दोबारा पढ़ेंगे सरकार, दोबारा ज़हमत होगी। या अली तेरा हसी नाम भला लगता है। या अली तेरा नाम, तेरा हसी नाम भला लगता है, तेरी निस्बत में ये इस्लाम भला लगता है। तेरी निस्बत में ये इस्लाम भला लगता है। लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, और ये मेरे दिल को इल्जाम भला लगता है, और मुझे इस दिल को इल्जाम भला लगता है। बहुत खूब भाई। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, एक बार बाबा जी बुलंद नारे सलवात से हौसला अफजाई करें सूरतपाल भाई की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये थे जनाब सूरजपाल राजवंशी साहब, जो अपना इजहार ख्याल कर रहे थे बेहतरीन मखसूस अंदाज में। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इन्होंने अहद किया था कि जब भी किसी स्टेज पर चढ़ूंगा तो सबसे पहले मदहे अली करके ही दोबारा किसी स्टेज पर चढ़ूंगा। तो आज ये मुराद इस महफिल से यहाँ पर पूरी हो गई है सूरजपाल भाई की। मैं इनकी मवद्दत और मोहब्बत का बेहद शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने इस महफिल में शिरकत की, इस नूरानी जश्न का हिस्सा बने। मैं बधाई देना चाहता हूँ इनको कि ऐसी शख्सियतों के बीच में एक ऐसी शख्सियत आई
तो आइए हजरत, मैं बड़े ही अदब और एहतराम से अगले शायर अहले बैत से गुजारिश करूं। मदहे अली ना होगा सरेदार बार बार, मदहे अली ना होगा सरेदार बार बार, पैदा न होंगे मीसम सम्मार बार बार। मदहे अली न होगी सरेदार बार बार, पैदा न होंगे मी समय तमार बार बार। एक बार लापता जिसे होना था हो गया, आती नहीं है अर्श से तलवार बार बार, आती नहीं है अर्श से तलवार बार बार। आइए हजरात, इन्हीं अशार के जैल में मैं अदब एहतराम गुजारिश गुजार हूँ जनाब सरवर अली साहब से, मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। हाजी सरवर अली साहब। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलाम अलैकुम। मौला अली की विलादत पे आप सबको मुबारक। बगैर हुब्बे अली मुद्दा न पाओगे, बगैर हुब्बे अली मुद्दा न पाओगे, इबादतों का भी हरगिज सिला न पाओगे, इबादतों का भी हरगिज सिला न पाओगे। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, अगर अली न मिले तो खुदा न पाओगे, अगर अली न मिले तो खुदा न पाओगे। नारे सलवात। ज़ुल्फ़िकार हैदरी जब जोश में लहरा गई, ऐसा लगता है रजब की आज तेरा आ गई, रहमतों की हर तरफ दुनिया में बदली छा गई, रहमतों की हर तरफ दुनिया में बदली छा गई, और आज काबे में है आमद हैदरे कर्रार की, आज काबे में है आमद हैदरे कर्रार की, दुश्मनाने हक के दिल को ये खबर दहला गई, दुश्मनाने हक के दिल को ये खबर दहला गई। और जब कोई आई मुसीबत या अली हमने कहा, जब कोई आई मुसीबत या अली हमने कहा, नाम सुनकर हैदरे कर्रार का घबरा गई, नाम सुनकर हैदरे कर्रार का घबरा गई। और गुलशन दीने नबी में आज भी है ताजगी, गुलशने दीने नबी में आज भी है ताजगी, देखो बातिल के चमन की हर कली मुरझा गई, देखो बातिल के चमन की हर कली मुरझा गई। गुलशने दीने नबी में आज भी है ताजगी, देखो बातिल के चमन की हर कली मुरझा गई। और जब से आई ज़ुल्फ़िकार हैदरी मैदान में, जब से आई ज़ुल्फ़िकार हैदरी मैदान में, जंग में बातिल परस्तों को चमक कर खा गई, जंग में बातिल परस्तों को चमक कर खा गई। और तजमीन में देखिए शायद किसी लायक हो, यूं तो मरहब एक था मैदान में दो टुकड़े हुआ, यूं तो मरहब एक था मैदान में दो टुकड़े हुआ, ज़ुल्फ़िकार हैदरी जब जोश में लहरा गई, ज़ुल्फ़िकार हैदरी जब जोश में लहरा गई। और चूम कर परचम अली का जंग में ऐसी चली, चूम कर परचम अली का जंग में ऐसी चली, लग रहा था अपने किस्मत पर हवा इतरा गई, लग रहा था अपने किस्मत पर हवा इतरा गई। और तुझ पे सरवर है इनायत हैदरे कर्रार की, तुझ पे सरवर है इनायत हैदरे कर्रार की, मनकबत के शेर जो फिक्रे रसा लिखवा गई, मनकबत के शेर जो फिक्रे रसा लिखवा गई। नारे सलवात। मोहम्मद मोहम्मद। तो ये थे जनाब हाजी सरवर अली साहब जो अपने बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे, आप तमाम मोमिनीन के कलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। आइए हजरात, हमारे बीच में इस स्टेज की जीनत हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब सैयद मुजाहिद हुसैन नकवी साहब, चेयरमैन दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा व इमाम सज्जाद वेलफेयर सोसाइटी बाराबंकी, जो हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपना इजहार ख्याल पेश करें। नारा हैदरी, नारे सलवार।
बहुत देर से हम महफिल में बैठे हुए हैं और आप लोगों का साथ भी दिए जा रहे हैं, और गुजार ये है कि आप लोग जो भी शोरा आ रहे हैं या जो भी हमारे मेहमान खुसूसी वगैरह, तो इनको आप लोग जरा सा सुने और इनकी हौसला अफजाई के लिए कम से कम नारा जरूर लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे सलवात। मुमिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो हमारे पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो जगह जहां पे आज हमारे बड़े भाई जनाब अली अब्बास साहब, पप्पू फाजिल साहब, केवल साहब, अरशद साहब, इन लोगों ने बुलाया बाराबंकी से कि मोथरी में एक महफिल रख रहा हूं, आप उसमें जरूर आइए। क्योंकि अभी परसों हमारे यहाँ नजफ़ हिंद जोगीपुरे में बहुत बड़ी महफिल हुई थी, वहाँ से आने के बावजूद हम मना नहीं कर पाए। हमारे बीच में सीनियर बुजुर्ग शोरा इकराम और सामने, चूंकि हमारे बुजुर्गवार हम चेहरा देख रहे हैं, उनके सामने बोलना, जिनकी गोदों में हम पले हैं, जिनकी उंगली पकड़ के हम चले, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत टफ काम है। आपको हम बता दें कि ये वो जगह है जहां के ऊपर हम और हम लोग आठ भाई बहन में हम और हमारी छोटी बहन इसी घर में पीछे यहाँ पैदा भी हुए, यहाँ नार भी हमारी बड़ी। जो लोगों का कहना है कि बाराबंकी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, फैजाबाद के हैं, तो वो भी कान खोल करके सुन लें कि मैं बाराबंकी का हूँ और खासकर मोथरी। क्या बात है भाई, ननिहाल करबला से ले लीजिए, नाना नहीं संवारा था, नाना के इस्लाम को बचाया किसने था, तो हमारे नाना, हम लोग भी नाना, हमारे जितने भाई थे सब यहां से पैदल जाते थे मोतरी से बाराबंकी पेंशन लेने के लिए, कभी इत्तेफाक होता था हम भी पीछे चलेंगे, तो पैदल पैदल बाराबंकी तक जाते थे। 2 साल इसी मोतरी से बाराबंकी राम सेवक यादव स्मारक विद्यालय में पैदल गया हूँ पढ़ने के लिए, उसके बाद दीगर पढ़ाई बाराबंकी में रहते हुए। बहुत महफिलों में गया हूँ, बहुत प्रोग्राम किए, मगर उस प्रोग्राम की, इस प्रोग्राम की खासियत आज हम ये देख रहे हैं कि यहाँ के ऊपर सिर्फ शिया मसलक के लोग नहीं हैं, इंसानियत बैठी है। एक क्या बात है, इंसानियत बैठी है, क्या वाह 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 वाह, इंसानियत जहां पे इंसान और इंसानियत इकट्ठा होती है, ये महफिल हमारे लिए कम से कम अभी परसों की महफिल में 30,000 से 40,000 का मजमा था। उस महफिल में, इस महफिल में फर्क इतना है कि यहां इंसान बैठे हैं और इंसानियत साथ में। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे चचा बुजुर्गवार, ये भी भाई नाम से हम बहुत लोगों के वाकिफ नहीं है, मगर जहां इंसानियत होती है वहां पे दिल भी लगता है, वहां बैठने में अच्छा भी लगता है। बचपना भी हमें आज याद आ गया मोथरी में बैठकर। हम आप लोगों से
सिर्फ इतना कहेंगे, हमारे बीच में बहुत से ऐसे बच्चे भी दिख रहे हैं कि जो अभी अपनी उस जिंदगी के पड़ाव में चल रहे हैं जिनको आगे बढ़ना है। वो बच्चे अगर किसी तरीके की पढ़ाई के सिलसिले में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो हमारी कमेटी है एक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वेलफेयर सोसाइटी, हर तरीके से उन बच्चों के लिए काम भी कर रही है पढ़ाई के लिए। हम इन बच्चों को देख रहे हैं या और भी जो हमारे नौजवान साथी हमारे भाई बैठे हुए हैं, एक हमारे उस्ताद अंदर लेटे हुए हैं, वो उस्ताद हैं हमारे, आ गए हैं वो देखिए तशरीफ फरमा। उस्ताद से हमने बहुत कुछ सीखा है, उन्हीं के कहने के ऊपर आगे बढ़े जो आज यहाँ तक आपके सामने खड़े हैं। हम उन बच्चों के लिए स्पेशली दो चीज, अपने आप को आज वो बच्चे हो या हम हो, जब बच्चा बच्चा ही रहता है 18 साल 20 साल या किसी मुकाम पे नहीं पहुंचा तो ये कहते हैं कि फला का बेटा है, कोई गलती कर दी तो कहते हैं कि फला का बेटा है। अपने आप को इस लायक करो, इस काबिल बनाओ कि लोग कहें यहाँ ये अली अब्बास साहब, हमारे अब्बास मामू जा रहे हैं तो ये कहें कि हाँ ये अली अब्बास के पापा, ये क्या बात है, पापा क्या बात है, उनके वालिद हैं। किसी भी मसलक का हो यहाँ पर, क्योंकि मौतरी में हमारा हर गली पहचानी, यहाँ से पैदल भी चले घूमे टहले हैं, इसलिए यहाँ से हमें रगबत मोहब्बत बहुत ज्यादा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं कुछ नहीं, तो यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर तो बन के निकले, आगे बढ़ के आए, इंशाल्लाह आगे बढ़ के आए। दुनिया बहुत छोटी है, टाइम बहुत कम है, खुराफात में दिल ना लगाएं, तरक्की के बारे में सोचें। और हमारे बड़े भाई अली अब्बास साहब का भी एक ये मिशन चल रहा है, हम यही दुआ करेंगे कि उनको अल्लाह कामयाबी अता करे। इलाही आमीन। जैनुल और भी पीछे ताहिर बैठे हैं, ये सब आने वाले कल के मुस्तकबिल। कल को हो सकता है अभी 4 दिन में चुनाव भी हो जाए, अपने साथ में ऐसे लोगों को लेकर के चलिए, बिरादरी ना देखिए, ये ना देखिए कि किस बिरादरी का है, ये देखिए कि इसमें इंसानियत कितनी है। वाह, और ये हमारे गांव के लिए क्या करेगा, उनको लेकर के चलिए। कहने के लिए है तो बहुत कुछ बातें करना भी चाहता हूँ, मगर इस नूरानी महफिल को देखते हुए, क्योंकि महफिल के बीच में हम आए हैं और बीच में हमें मौका दिया हमारे नाजिम ने, जनाब ताहिर साहब ने, शुक्रगुजार हैं उनके। हमारे बाराबंकी के एक शायर मरहूम हो चुके हैं, डॉक्टर आज़र बाराबंकी साहब, उनका एक शेर अर्ज है, तो चूंकि ये नूरानी महफिल है उस सिलसिले में, कि इस कदर दिल को सदाए याली अच्छी लगी, इस कदर को सदाए याली अच्छी लगी, इस कदर दिल को सदाए याली अच्छी लगी, और फिर न कोई ले न कोई नगमगी अच्छी लगी। बहुत खूब भाई, वाह। फिर न कोई ले न कोई नगमगी अच्छी लगी, इसी का हुस्न मतलब है चाचा, तवज्जो चाहता हूँ कि काफिरों को 4 दिन की चांदनी अच्छी लगी।
काफिरों को चार दिन की चांदनी अच्छी लगी, अहले ईमान को हयाते दायमी अच्छी लगी, अहले ईमान को हयाते दायमी अच्छी लगी। इसी का आखिरी शेर है कि वो भी क्या शय है मंजिले कौसैन पर, वो भी क्या शय है मंजिले कौसैन पर, वो भी क्या शय है मंजिले कौसैन पर, साहिबे मेराज की खुशबू बड़ी अच्छी लगी। बहुत खूब, ये थे जनाब सैयद मुजाहिद हुसैन नकवी साहब हमारे आज के इस महफिल के मेहमान खुसूसी जो अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। मैं बेहद इनकी मोहब्बत और मवद्दत का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी मसरूफियत के बावजूद अपने इस ननिहाल की इस नूरानी महफिल के लिए उन्होंने वक्त निकाला, इतने लंबे सफ़र इतनी थकन के बावजूद हमारी इस महफिल में आए। मैं मोमिनीन मौधरी की जानिब से मैं बेहद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाली बहुत सारी महफिलें बहुत सारी मजालिसें जिनमें बढ़ चढ़ कर अपना रोल निभाएंगे जनाब सैयद मुजाहिद हुसैन नकवी साहब, इसी उम्मीद के साथ। आइए हजरात, जो फहरिस्त मेरे पास यहाँ पर मौजूद थी, बस दो नाम और यहाँ पर रह गए हैं महफिल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अपने तय मुय्यन वक्त में ही इस महफिल को आइंदा साल तक के लिए मुलतवी किया जाए। मुलतवी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों की बातें, हम लोगों के ये जिक्र कभी ख़त्म नहीं होते, सिर्फ मुलतवी होते हैं। तो आइए हजरात, मैं बड़े ही अदब एहतराम से आलमी शोहरत याफ्ता शायर हमारे इस स्टेज पर मौजूद हैं, मैं उनको आवाज़ देना चाहूँगा जनाब फखरी मेरठी साहब के चंद मिसरों से। अर्ज किया है कि इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता। मौला अब्बास के हवाले से अगर मौला अली का जिक्र हो रहा है तो छोटे हजरत का भी जिक्र होना चाहिए। आइए समात करते हैं, बतौर खास आपकी समातों को चाहता हूँ कि मेरे इन मित्रों को समाप्त करें। बहुत देर से आप लोग शोरा को समाप्त कर रहे थे, आइए हम भी अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। और ये जनाब फखरी मेरठी साहब के जो मेरे पसंदीदा अशआर हैं मैं उन्हें पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएंगे कि इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, जंग करता जो आलमदार तो फिर क्या होता। इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, जंग करता जो आलमदार तो फिर क्या होता। तो खत के उस पार कदम रुक गए सबके, वरना कोई आ जाता जो इस पार तो फिर क्या होता, कोई आ जाता जो इस पार तो फिर क्या होता। नहीं हजरा शायद मैं आज तक पहुंच नहीं पाया हूं। कोई आ जाता जो इस पार तो फिर क्या होता, तो उसने खत खींचा तो तलवार झुका कर खींचा, वो उठा लेता जो तलवार तो फिर क्या होता, वो उठा लेता जो तलवार तो फिर क्या होता। आइए हजरात, इन्हीं अशार के ज़ैल में मैं आलमी शोहरत याफ्ता शायरे अहले बैत जनाब अजमल किंतूरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने अशार से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। बावाज़े बरम नारे सलवात से आप हजरात उनका इस्तकबाल करें। हजरात सलाम अलैकुम। अभी हमारे बरादर अज़ीज़ आली जनाब सैयद मुजाहिद हुसैन नकवी साहब ने जो बात नसर में कही है, बैठे बैठे चार मिसरों में वो बात ढालने की कोशिश की है, समात फरमाएं। अर्ज करता हूँ कि हमने बड़े अदब से बुलाया है, आइए। हमने बड़े अदब से बुलाया है, आइए। खुद को जरा सा ऊंचा उठाया है, आइए। हमने बड़े अदब से बुलाया है, आइए। खुद को जरा सा ऊंचा उठाया है, आइए। और एक दूसरे से हाथ मिलाने के वास्ते, एक दूसरे से हाथ मिलाने के वास्ते इंसानियत का जश्न मनाया है, इंसानियत का जश्न मनाया है, आइए। नारे सलवात इरशाद फरमाए। चंद अशार और समात फरमा लें, हाजिर कर रहा हूँ हमारे दरमियान उस्ताद उश्वरा जनाब नसीर अंसारी साहब, पिघला तशरीफ फरमा है।
नसीर भाई शेर मतलब समाज फरमाए हाजिर कर रहा हूँ के मुरस्सा कलाम आप इनसे समाज फरमाएंगे, कुछ अशार हैं। नाज़िम महफिल तवज्जो चाहूंगा। आता हुआ अर्ज करता हूँ के शुरू कर तो रहा हूँ सनाए नुक्ते बा, शुरू कर तो रहा हूँ सनाए नुक्ते बा, हमें यकीन है होगी अताए नुक्ते बा, यकीन है होगी अताए नुक्ते बा। आप शेर समाज फरमाए यहाँ से कि खुदा ने चाहा कि लोहो कलम की खिलकत हो, खुदा ने चाहा कि लोहो कलम की खिलकत हो, तो सबसे पहले हुई इब्तिदाए नुक्ते बा। क्या बात है भाई, बाप 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 बाप, खुदा ने चाहा कि लोहो कलम की खिलकत हो, तो सबसे पहले हुई इब्तिदाए नुक्ते बा। और शेर देखें कि बुझा के रख दिए अक्सर जहालतों के चराग, बुझा के रख दिए अक्सर जहालतों के चराग, बशक्ले इल्म चली जब हवाए नुक्ते बा, बशक्ले इल्म चली जब हवाए नुक्ते बा। मुजाहिद भाई शेर हाजिर कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, समाप्त फरमाए के जमी से बढ़ के मैं वाकिफ हूँ आसमानों से, जमी से बढ़ के मैं वाकिफ हूँ आसमानों से, ये बात किसने कही है सिवाय नुक्ते, ये बात किसने कही है सिवाय नुक्ते बा, ये बात किसने कही है सिवाय नुक्ते बा। और वजूद दीने खुदा की मुहाफिजत के लिए, वजूदे रईस भाई शेर देखिए आदि, वजूदे दीने खुदा की मुहाफिजत के लिए पहन के चल दिया कुरान कबाए नुक्ते बा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, चल दिया कुरान कबाए नुक्ते बा, पहन के चल दिया कुरान कबाए नुक्ते बा। और नसीर भाई शेर हाजिर कर रहा हूँ, देखेंगे कि खुदा के बाद नबी के सिवा जमाने में, खुदा के बाद नबी के सिवा जमाने में कोई बता न सका इंतहाए नुक्ते। क्या बात है, खुदा के बाद नबी के सिवा जमाने में कोई बता न सका इंतहाए नुक्ते बा। और मत्ता समाज फरमाए के उसी को मारिफत हक नसीब है अजमल, उसी को मारिफत हक नसीब है अजमल, दिलो दिमाग में जिसके समाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह क्या बात है, दोबारा ज़हमत हो भी सरकार को, खुदा के बाद नबी के सिवा जमाने में कोई बता न सका इंतहाए नुक्ते बा। और उसी को मारिफत हक नसीब है अजमल, दिलो दिमाग में जिसके समाए नुक्ते बा, दिलो दिमाग में जिसके समाए नुक्ते बा। सुभान अल्लाह, जज़ाकअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में बहुत कीमती अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे जनाब अजमल किंतूरी साहब। आइए हजरात, हमारे इस स्टेज पर सिर्फ दो नगीने अभी मौजूद हैं, उसके बाद जो तरीका रहा है कि नज्म के बाद जो नज्म का सिलसिला होता है उसके लिए अलीबा साहब को मैं गुजारिश करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में यहां पर जनाब फारूक अयूब साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट यहां पर मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश गुजार हूं कि वह आएं अपना इजहार ख्याल करें कि जिंदगी के सदर दरवाजे पर लिखा है हुसैन, जिंदगी के सदर दरवाजे पर लिखा है हुसैन, मौत को हमसे इजाजत लेके आना चाहिए, जिंदगी के सदर दरवाजे पे लिखा है हुसैन, मौत को हमसे इजाजत लेके आना चाहिए। तो जुल्म अपनी इंतहा पे थक के जब रोने लगा, तब अली असगर ने सोचा मुस्कुराना चाहिए, तब अली असगर ने सोचा मुस्कुराना चाहिए। आइए हजरत जनाब फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जनाब नाजिम साहब, ताहिर साहब जो कि इस मंच का मंच के नाजिम हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब पप्पू साहब का, अली अब्बास भाई साहब का, हमने एक चीज़ फील की इस मंच से कि जो जनाब मुजाहिद हुसैन नकवी साहब ने अपने बयानों में जो बात बताई उसकी फ्यूचर प्लानिंग ओपनिंग में हमने इसी मंच से आज देखी है। मैं नकवी साहब को इस बात का आश्वासन क्या कह लिया जाए दिलाना चाह रहा हूँ कि जो आपका प्लान है उस प्लान में आपके छोटे भाई बड़े भाई काफ़ी लोग लगे हुए हैं। बाकी मंच पर सभी हजरात जनाब नासिब अंसारी साहब, सूरजपाल साहब, मुजाहिद हुसैन नकवी साहब, सबका इस्तकबाल है। इसी के साथ बहुत कम अल्फाजों में अपना इजहार ख्याल कर रहे थे जनाब फारूक साहब। आइए हजरात, मैं बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश गुजार हूँ, एक घंटा लग जाए लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँ क्योंकि आज की इस नूरानी जश्न के मकतए महफिल हैं, नहीं और लोग हैं, इनके बाद सिर्फ तकरीर 15 मिनट की होगी, वो भी हमारे जाकिर अहले बैत जनाब अली अब्बास साहब इस तकरीर को खिताब करेंगे। उससे पहले सिर्फ एक मोतबर शायर अहले बैत हमारे इस स्टेज पर मौजूद है, अर्ज किया है, मैं उनको आवाज दूं। उससे पहले जनाब महबूब अंसारी साहब के मिसरे पेश कर रहा हूं, समाज पर फरमा लें। बोले आपस में फरिश्ते की ये मंजर देखो, बोले आपस में फरिश्ते की ये मंजर देखो, औज पा कितना है जहरा का मुकद्दर देखो। बोले आपस में फरिश्ते की ये मंजर देखो, औज पा कितना है जहरा का मुकद्दर देखो। आयते आई तो बैठे रहे महबूबे खुदा, फातिमा आई तो उठते हैं पैगंबर देखो। आयते आई तो बैठे रहे महबूबे खुदा, फातिमा आई तो उठते हैं पैगंबर देखो। आइए हजरात जनाब महबूब अंसारी साहब के इन्हें मिसरों के जैल में मैं गुजारिश गुजार हूँ आज के हमारे मकतए महफिल हम सब के लिए बायसे फख्र है एक शख्सियत बाराबंकी की जो हमारे इस स्टेज पर इस छोटे सी बस्ती में मौजूद हैं, ये हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम से हमारे बुजुर्ग शायर अहले बैत आज की मकतए महफिल जनाब नसीर अंसारी साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए। आप हजरात से गुजारिश है कि बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वा हाजिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। शायद पिछले साल तो हाजिर हुआ था ना, कि पिछले साल नहीं हुआ था, लॉकडाउन था क्या पिछले साल, उससे साल पहले मुझे तो कुछ याद नहीं कि आपको क्या सुनाया था, तब क्या सुनाऊं ये सोच रहा हूँ। पहले कुछ कत की शक्ल में प्रसाद समापन माने, फिर इंशाल्लाह मुकम्मल मुकम्मल पर आवाज गिरता है। बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ, तहत में भी पेश करूँगा इंशाल्लाह परमात्माए, क्योंकि आज की शब्द जो है उसके बड़े ताल्लुक से के गौर से सुन लो, है क्या तेरा रजब, गौर से सुन लो है क्या तेरा रजब, रब की है खास अता तेरा रजब, गौर से सुन लो है क्या तेरा रजब, रब की है खास एक अता तेरा रजब। और मेरे मौला की विलादत का है दिन, मेरे मौला की विलादत का है दिन,
बरकतों की इंतहा तेरा रजा। क्या बात भाई, सुभानअल्लाह। ये मौला की विलादत का है दिन, बरकतों की इंतहा तेरा रजा, बरकतों की इंतहा और आज का दिन अली की विलादत का है। आज का दिन अली की विलादत का है, कौन कहता है ये दिन खुशी का नहीं। आज का दिन अली की विलादत का है, कौन कहता है ये दिन खुशी का नहीं। और जो है मुनकिर अली के सुने गौर से, जो है मुनकिर अली के सुने गौर से, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं। अली का नहीं वो नबी का नहीं। आज का दिन अली की विलादत का है, कौन कहता है ये दिन खुशी का नहीं। जो है मुनकिर अली के सुने गौर से, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं। जो अली और एक किताब समाप्त फरमा लें के अता, जिसका सानी ही ना हो उसको अली कहते हैं, जिसका सानी ही ना हो उसको अली कहते हैं। एक मैं ही नहीं कहता हूँ, सभी सभी कहते हैं। जिसका सानी ही ना हो उसको अली कहते हैं। एक मैं ही नहीं कहता हूँ, सभी कहते हैं। और जिसका मौला हूँ मैं है उसके अली भी मौला, जिसका मौला हूँ मैं है उसके अली भी मौला। ये कोई और नहीं ये बात नबी कहते हैं, ये कोई और नहीं ये बात नबी कहते हैं। है उसके अली भी मौला, ये कोई और नहीं ये बात नबी कहते हैं। और आखिरी चार मिसरे ये भी समाप्त फरमा लें कि मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ गौर से सुनिए जरा, मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ गौर से सुनिए जरा, हो अगर शक इसमें तो पढ़िए हदीसे मुस्तफा। मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ गौर से सुनिए जरा, हो अगर शक इसमें तो पढ़िए हदीसे मुस्तफा। और इसलिए लोगों इबादत मैं समझता हूँ इसे, जिक्रे अहले बैत है जिक्रे नबी जिक्रे खुदा। इसलिए लोगों इबादत मैं समझता हूँ इसे, इसलिए लोगों इबादत मैं समझता हूँ इसे, जिक्रे अहले बैत है जिक्रे नबी जिक्रे खुदा। और कोशिश करता हूँ तरन्नुम से पढ़ने की, समाज फरमाए मतलब पहले। क्या पूछते हो क्या नहीं और क्या अली का है, क्या पूछते हो क्या नहीं, क्या पूछते हो क्या नहीं और क्या अली का है। बस यूं समझ लो सारा जमाना अली का है, बस यूं समझ लो सा। क्या पूछते हो क्या नहीं और क्या अली का है, बस यूं समझ लो सारा जमाना अली का है। और शेख मतलमाए के तूफा इधर निगाह उठाए मजाल क्या, तूफा इधर निगाह उठाए मजाल क्या, कश्ती पर मेरी नाम जो लिखा लिया। इधर निगाह उठाए मजाल क्या, कश्ती पर मेरी नाम जो लिखा ली का है, कश्ती पर मेरी नाम। और ये विशेष देखें रात, ईसार हो वफा हो के हो इल्म वागही, ईसार हो वफा हो के हो इल्म वागही, जो कुछ है अपने पास वो सदका ली का है।
یار ہو وفا ہو کہ ہو علم آ گئی جو کچھ ہے اپنے پاس وہ صدقہ لیجائے جو کچھ ہے اپنے پاس وہ صدقالی کا ہے اور یہ شعر جہاں جہاں تک حضرات ہیں سماعت فرمائے تاریخ جو تاریخ کہہ رہی ہے وہ پورے کے پورے تاریخ نظر کرنے کی کوشش کی ہے سماعت فرمائے حضرات ارشاد پڑھے لکھوں کا مجمع ہے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں سماعت فرمائے حضرات کہ تاریخ ہے گواہ کہ باطل کی پیروی تاریخ ہے گواہ کہ باطل کی پیروی تاریخ ہے گواہ کہ باطل کی پیروی جس نے کبھی نہ کی وہ گھرانہ لی جس نے کبھی نہ کی وہ گھرانہ لی کہا بھائی سبحان اللہ بابا 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 تاریخ ہے گواہ کہ باطل کی پیروی جس نے کبھی نہ کی وہ گھرانہ لی کا ہے جس نے کبھی نہ کی وہ گھرانہ لی کا ہے اور یہ شعر جب دمات فرمائے حضرات کہ دے کر علم کہا یہ نبی نے کہ آج سے دے کر علم کہا یہ نبی نے کہ آج سے خیبر شکن بھی ایک لطف مولا علی کا دے کر علم کہا یہ نبی نے کہ آج سے خیبر شکن بھی ایک لطف مولا علی کا ہے خیبر شکن بھی ایک لطف مولا علی کا ہے اور آخری شعر سماعت فرمانے حضرات خیبر شکن بھی ایک لقب مولا علی کا ہے اب دیکھنا ہے ہوتی ہے کیسے نہیں قبول اب دیکھنا ہے ہوتی ہے کیسے نہیں قبول اب دیکھنا ہے ہوتی ہے کیسے نہیں قبول شامل میری دعا میں وسیلہ علی کا ہے شامل میری دعا اب دیکھنا ہے کیسے نہیں ہوتی ہے قبول شامل میری دعا میں وسیلہ علی کا ہے شامل میری دعا میں اور مطلب حضرات کہ صد شکر میں نصیر ہوں مداح اہل بیت صد شکر اور یہ پورا مطلب مکتب پڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ انہی اسی قسم کے اشعار کرنے سے میرا بلاوا آ گیا اور میں زیارت کر کے آیا ہوں کربلا کے پوتے اللہ کا شکر ہے یہ ان کا کرم تھا میری دعائیں قبول ہوئیں سماعت فرمائیں شیخ کہ صد شکر میں نصیر ہوں مداح اہل بیت صد شکر میں نصیر ہوں مداح اہل بیت میرے تمام گھر میں اجالا تمام گھر میں اجالا سد شکر میں نصیب ہوں مداح اہل بیت میرے تمام گھر میں اجالا علی کا ہے تو یہ تھے حاجی جناب نصیر انصاری صاحب جو اپنے بہترین مخصوص انداز میں آج کی اس نورانی محفل کی مقطع محفل جناب نصیر انصاری صاحب بے حد شکر گزار ہوں کہ کافی وقت تک
बड़ी माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि आधा घंटा थोड़ा सा लेट हुआ है प्रोग्राम, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ सभी लोगों से, मेंबरान की ओर से जो इस कमेटी के मेंबरान हैं। आइए हजरात महफिल को आइंदा साल तक के मुलतवी करूँ, उससे पहले हमारे इस स्टेज पर हमारे जाकिर अहले बैत जो इस इंतज़ामिया कमेटी के सदर भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं हमारे इस स्टेज पर। अली सा फर्ज निभाने कोई ना आएगा, जो गिर पड़े तो उठाने कोई ना आएगा। अली सा फर्ज निभाने कोई ना आएगा, जो गिर पड़े तो उठाने कोई ना आएगा। दीदारे काबा मुबारक हो ये हंसी तुझको, किसके बाद हंसाने कोई ना आएगा। आइए हजरात इन्हीं अशार के जहल में मैं अदब एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ जाकिर अहले बैत जनाब अली अब्बास साहब से कि वो आए अपना इजहार ख्याल करें। जनाब अली अब्बास साहब बवाज़े बरन नारे सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بھائی تمام لوگوں کا شکریہ تو میں اس پوری تقریب ختم ہونے تک ادا کرتا رہوں گا کہ آپ نے جس جذبے سے جس محبت سے اس پیغام انسانیت کے حوالے سے جو پروگرام تھا اس کو کامیاب کیا۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، کوئی خطیب نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، یہ تو آپ کی محبت ہے جو کھینچ لائی یہاں تک بولنے کے لیے، ورنہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے یہ گدے اور فرش میں ہی بچھا رہا تھا۔ میں اس وقت بھی یہاں پر خطیب کی حیثیت سے نہیں، یہ جو میری تھوڑی سی تقریر ہے یہ میزبان کی حیثیت سے آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور اس میزبانی میں میں تو ایک بہت چھوٹا سے فرد ہوں، اللہ سلامت رکھے آپ کی دعائیں عرش الٰہی تک پہنچیں ہمارے طاہر بھائی کے لیے، ہمارے حسن عالم بھائی کے لیے، ہمارے جو سب سے آگے آگے رہتے ہیں فاضل صاحب پپو، بے شک انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور ہر پروگرام میں کرتے ہیں، اب وقت زیادہ نہیں بچا ہے ورنہ میں بہت سی دعائیں کرتا ابھی ان سب کے لیے۔ یہ ہمارے ننہو بھائی ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ علی کسی ایک کے نہیں ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ اہل بیت ایک کے نہیں ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے ننو بھائی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور گرو نارائن ہمارے بزرگ چچا فاروق صاحب، آپ وقت نہیں میں سب کا نام لوں لیکن سب شامل ہیں کہ میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کروں۔ اور یہ جو میں نے بتایا کہ ہم سب تو میزبان ہیں اور نام بھی میں نے لیے، کچھ چھوٹ گئے ہیں لیکن وہ بھی میزبان ہیں، یہ پیچھے اس بینر پہ نہ جائیے کہ جس پر مہمان خصوصی لکھا ہوا ہے، یہ تو خود پریشان ہے کہ کس نے ہمارا نام مہمان خصوصی میں ڈال دیا ہے، ہم تو اس گاؤں کے سب سے بڑے میزبان ہیں۔ اور یہ بڑی دور سے، بڑے جذبے سے، بڑی محبت سے ہمارے درمیان ہمارا چھوٹا بھائی آپ کا میزبان بن کے آیا ہے، اور اس نے جو دو الفاظ بولے اس کم وقت میں وہ کافی ہیں آپ تک پہنچنے کے لیے کہ اس گاؤں کے بچوں کے لیے کیا درد ہے۔ مددگار لاک ڈاؤن گواہ ہے، جس طرح سے مدد کی آپ لوگوں نے بھی کی ہے، اور یہ لاک ڈاؤن بہت بری وبا تھی لیکن آپ نے جب ہاتھ سے ہاتھ ملایا اور غریبوں کو کندھے سے گلے سے لگایا تو یہ وبا کا پتہ نہیں چلا کہاں آئی اور کہاں چلی گئی۔ اور یہ نا، ہاں کرنا ایسے ہی چاہیے، ہر دھرم یہ بتاتا ہے کہ ایسے کرو کہ اپنے بھی ہاتھ کو نہ معلوم ہو کہ ہم نے کیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے جب یہ جملہ میں نے کہا، دیکھیے میں مجھے 15-20 منٹ طاہر بھائی نے دیے تھے، اگر دیر ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے،
मुझे क्योंकि मौलाए कायनात का जश्न है ना, तो उन्हीं की एक वाकया उनका याद आ गया है, मैं वो पढ़ दूं फिर आप बाकी की तकरीर बड़े गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह। ये इस हुए जमीन का गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास अच्छे अल्फाज नहीं है। इसका दस्तूर यह था कि जब सारा शहर दयार सो जाता था तब ये निकलते थे कि किस घर को किस तरह की जरूरत है, और ये महसूस होता था कि हाँ इस घर को इस तरह की जरूरत है तो अपने जहन में उसका निशान बना दे, उस घर को उस तरह की जरूरत है, उस घर के बच्चे परेशान हैं, उस घर की बेवाएं परेशान हैं, उस घर में अनाज नहीं है, इस तरह की तमाम परेशानियों को अपने जहन में नोट करते थे। और उसके बाद वो रात के अंधेरे में बैग लगेज उनकी जरूरत का सामान मुहैया करके ऐसे जाते थे कि हमारे अपने साथी को भी खबर ना हो। कुंडी खटखटाते थे, अगर दरवाजे से निकल आया तो मुंह इधर करके दे दिया, नहीं निकला दो बार कुंडी खटखटाने पर तो दरवाजे पर रख कर चले आते। पूरी पूरी रात उनका दस्तूर यह था मौलाए कायनात का कि सिर्फ ये फिक्र रहती थी कि कोई परेशान तो नहीं है। इसी असरा में एक उसी दयार उसी शहर के आखिर में, यह शहर का बॉर्डर कह लीजिए, एक छोटा सा झोपड़े नुमा घर बना हुआ था। ये टहलते टहलते वहां तक पहुंचते हैं तो कुछ आवाज आ रही थी दुख भरी, जिसको रोना भी कह सकते हैं आप, गिरिया भी कह सकते हैं। ये जल्दी जल्दी उधर से कदमों से बढ़े तो देखा एक बुजुर्ग है, शायद आंखों से भी कमजोर है, उम्र भी ज्यादा हुई, हाथ पांव से भी कमजोर है। उससे कहा मौलाए कायनात ने, आप क्यों इतना परेशान है, क्यों गिरिया कर रहे हैं? कहा चूंकि नाबीना हूं देख नहीं सकता इसलिए मांगने वांगने नहीं जा पाता हूं, हाथ पांव ने जवाब दे दिया है इसलिए काम नहीं कर सकता, तीन दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं है, कुछ भूख लगी थी, भूख ने परेशान की, तड़प गया। कहने जहां इतना बर्दाश्त किया मेरे भाई, चंद मिनट थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा वक्त मुझे और दो। गए और जितना भी सामान खाने पीने का मुहैया हो सकता था जल्दी से करके आए, सिर्फ खाने पीने का सामान दस्तरखान उसके सामने लगाया नहीं, उसके साथ बैठकर खाया। ये दस्तूर चलता रहा, तारीखों में तो ये मिलता है कि उनकी शहादत के वक्त तक चलता रहा, बीच में उसने पूछा भी कि आप कौन है बताइए, तो उन्होंने कहा आप क्या करोगे ज्यादा जानकर, वैसे समझ लो कि एक फकीर के बगल में बैठ कर खाना था। ये मैं इस जश्न इस पैगाम इंसानियत के हवाले से जो बात है मैं कहना चाहता था, इस तरह की दो चार बातें, ये वो बातें हैं, ये तारीख नहीं है, ये स्याही नहीं है, ये कलम नहीं है, ये आपके दिलों तक हुकूमत करने वाली तारीख के वाकियात है। एक दिन वो भी आया कि आप जानते हैं कि वो मस्जिद कूफा में रमजान के महीने में मौला अली को शहीद कर दिया, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, नमाज पढ़ने वाला, नमाज शब का आदि, पक्का मुसलमान। पैगाम यही है कि इनके जो सच्चे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, इनके दुश्मन अपने भी हो जाया करते हैं, और अगर अच्छाई इनकी लोगों के दिलों तक पहुंची तो इसी तरह से गैर अपने हो जाते हैं जैसे यहां महफिल में बैठे हुए। आप सलवात भेजिए तो मैं बात करूंगा। उसने कत्ल कर दिया, बच्चों ने इमाम हसन इमाम हुसैन मोहम्मद इब्ने हनफिया जो भी बेटे थे उन्होंने उनका आखिरी जो भी सफर था उसका सामान तैयार किया और जाकर वहीं कब्रिस्तान में कब्र के हवाले कर दिया, और फिर वो बच्चे कब्रिस्तान से पलट कर अपने घर की तरफ शहर की तरफ आ रहे थे, इसलिए सबसे बड़े बेटे इमाम हसन सबसे आगे आ गए थे। तो उसी रास्ते पे उसकी वो झोपड़ी थी जिसके लिए मौलाए कायनात खाना ले जाया करते थे, वो झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा हुआ कुछ कह रहा था और रोता जा रहा था।
वही तड़प जो गरीब की सदा सुनकर बाप को थी, वही तड़प बेटे के अंदर थी। और तड़पते हुए दिल के साथ इमाम हसन उस बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, भाई इतना गिरिया क्यों कर रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, मेरा दोस्त मुझसे कुछ नाराज हो गया या मुझसे कोई खता हो गई, क्या बताओ तो क्या हुआ? कहा एक मेरा चाहने वाला था, मेरा दोस्त था, मेरे साथ में बैठकर खाना खाता था, आज 3 दिन हो गए वो नहीं आया। और 3 दिन इसलिए हो गए कि जरबत यानी तलवार लगने के बाद 3 दिन तक, ये तीसरे दिन शहीद हुए, तो 3 दिन इसलिए नहीं आ पाए थे। तो उसने कहा 3 दिन हो गए वो मेरे पुस्से के लिए, मुझे देखने के लिए, मेरे लिए खाना लेकर भी नहीं आए, क्या खता हो गई, क्या गलती हो गई? इमाम हसन समझ गए ये बाबा की बात कर रहे हैं। कहा मेरे भाई अब उनको याद न करना। कहा क्यों? कहा अभी तो हम लोग उनको कब्र के हवाले करके आ रहे। तो उसने कहा कौन है वो बताइए तो। वो कहा वो हाकिम वक्त अली इब्ने अबी तालिब और मैं उनका बेटा हसन हूं। बस ये सुनना था कि उसने अपने आप को इमाम हसन के कदमों में गिरा लिया। कहा जो पैदा हुआ उसको मरना है कोई बात नहीं, लेकिन आज पता चला कि इतना बड़ा हाकिम मेरे साथ बैठकर जब खाना खाता था तो ये कहता था कि एक फकीर के बगल में बैठकर खाना खा रहा है। और फिर आगे तारीख है कि वो गया कब्र पर, फिर वहीं पर वो भी दुनिया से सब बैठा। मैंने ये वाक्य क्यों पढ़ा आपको, आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूँ, हल्के अल्फाज में बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कठिन अल्फाज तो मेरे पास नहीं है और मेरे पास मजमा भी मेरा अपना है, समझेगा मेरे दिल की बात को। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत से इसको सजाया है और आपको बुलाया है। अगर ये पैगाम इनके हवाले से सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो हम तहिया करते हैं आज यहाँ से कि हम अब पूरी जिंदगी इंसानियत के नाम पर वक्फ करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए किसी भी मजहब को, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म की किताब को अगर समझना है तो क्या आप समझते हैं इसे मौलवी समझा देगा? उसको तो खुद नहीं मालूम, आपको खुद स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपके जहन में पुराने मजीद के लिए कोई गलत फहमी है तो उसको मुसलमान नहीं समझाएगा, आपका इल्म समझाएगा, आप उसकी खुद स्टडी कीजिए। और अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम को समझना है तो हम नहीं समझा पाएंगे, आप उनके करीब आइए। मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि आज दुनिया में पैगंबर इस्लाम को, किताब कुरान को, दीन इस्लाम को अजीब अजीब निगाहों से देखा जा रहा है। ये क्यों ऐसी निगाहों से देखा जा रहा है कि कुरान में ये लिखा हुआ है और पैगंबर इस्लाम ऐसे थे और मजहब मुसलमान को जैसे दहशत गर्दी का टप्पा क्यों? क्योंकि इसको लोगों ने ज्यादातर मौलवियों से समझा है, स्कॉलर से नहीं समझा, पढ़े लिखे से नहीं समझा, टीचर से नहीं समझा। मैंने टोपी पहन ली है, मैंने दाढ़ी बड़ी कर ली है, मैंने पैजामा कुर्ता पहन लिया है तो मौलवी तो हो सकता हूं, लेकिन इस्लाम का कुरान का रिसर्चर नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बात कह रहा हूं। ये इस्लाम ये नहीं कहता है कि आपकी पहचान आपकी टोपी से हो, इस्लाम कहता है आपकी पहचान आपके इल्म से हो। क्या समझेंगे कुरान मजीद को, क्या समझाएंगे कुरान मजीद को? मैं तो तालिबे इल्म हूं, मैं आपके सामने एक आयत पढ़ूं जब मौका दिया आपने, और आप समझ लीजिए कि पूरा कुरान कैसा होगा जिसकी एक आयत ऐसी है। देखिए मैसेज कुरान का, इंशाल्लाह महसूस करेंगे, यहां पर सुने और जहां पर भी आपका घर है वहां पर इस पर सोचे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुरान में अल्लाह कह रहा है तू मिनू ना बिल्लाह। आज एक नुक्ते पर तो गलत फहमी कम ही खत्म ही कर दूंगा आज इंशाल्लाह। यहां पर अल्लाह कह रहा तू मिनू ना बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान लाना चाहते हो, नहीं ला सकते, ऐसे नहीं ला सकते अल्लाह पर ईमान, वह रसूल ही और उसके रसूल पर भी ईमान नहीं ला सकते ऐसे।
कैसे लाओगे? जब तक अपने आप को आमादा नहीं करते वक्तु जाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए। मैं यहां पे रुक रहा हूं क्योंकि मुझे गलतफहमी दूर करनी। अल्लाह ने कुरान मजीद में शायद ने कहा है कि तुम अल्लाह वाले हो ही नहीं सकते, तुम रसूल वाले हो ही नहीं सकते जब तक अपने आप को आमादा नहीं करते हो। वक्तु जाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए जिहाद। ये लफ्ज जिहाद बड़ा बदनाम हो गया, इसलिए मैं रुक रहा हूं। ये क्या है जिहाद? आज मुझको जो बताया फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लोगों ने, वो ये बताया है जिहाद तो ये है कि एक तलवार लो हाथ में, कोई गैर मुस्लिम मरे मिले उसको मार दो, ये जिहाद है। खुदा की कसम इस पाक जगह से बोल रहा हूं, अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि जिहाद है, ना रसूल अल्लाह ने कहा है जिहाद। आप सुनिए एक आशिकाने अली की भी बात सुनिए, आपने बहुत मौलवियों की बात सुनी, एक मेरी भी बात सुनिए। ये नहीं कहा, कुरान मजीद गवाह आपके सामने है, मैं आयत पढ़ रहा हूं, मैं तर्जुमा कर रहा हूं, एक एक लफ्ज का तर्जुमा कर रहा हूं, आप गौर कीजिए। अल्लाह ने कहा तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, जब मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आप मुझसे मुत्तफिक होंगे, दुआएं देंगे। अपने आप को जब तक जिहाद के लिए आमादा नहीं करते हो अल्लाह के लिए, ना रसूल अल्लाह कहना कबूल है, ना अल्लाह कहना वसूल है। जिहाद वो नहीं है जो आपको बताया गया है व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से, जिहाद जो कुरान बता रहा वो होगा। कैसे जिहाद करना? कुरान ने बताया, आगे आयत बढ़ती है, वह तुझा है फी सबीलिल्लाह। कैसे करना? बे अमवालिकुम, दो लफ्जों पर गौर करिए, बे अमवालिकुम। बे अमवालिकुम क्या मतलब? माल से नहीं, अपने माल से। माल से नहीं, माल से क्या मतलब हुआ? माल से मतलब यह हुआ कि किसी गरीब को परेशान देखा, किसी का चुराया, उसको दे दिया। ये जिहाद नहीं चाहिए अल्लाह को कि किसी का लिया, कसब किया और किसी को दे दिया मदद की छपनी। ये जिहाद अल्लाह को नहीं चाहिए। कह रहा बेअम्बाल अपने माल से, तुम्हारे पास जितना है उससे जिहाद करो। अगर तुम्हें किसी गरीब की मदद करनी है तो तुम्हारे पास एक रुपया है, तुम उससे मदद करो। एक लाख नहीं चाहिए जो कसब किया, कसब किया होनी चाहिए। तो अपने माल से जिहाद करना है बेमवाल। अब सुनिए आगे का नुकता, वह अनफसा कुम, यहीं पर तो सारी बात है। वह अनफसा कुम क्या मतलब? अनफसा कुम का जिस तरह से अपने माल से जिहाद करना है वैसे ही अपनी जान से, जान से नहीं, वह अनफसा कुम अपनी जान से। एक रिवॉल्वर में गोली रखकर चुपचाप किसी बेगुनाह को मार देना आसान है, अपने जिस्म का एक बोतल खून देकर किसी मजलूम को बचा लेना बड़ा मुश्किल। अल्लाह इस आयत में ही कह रहा है कि हमको वो जिहाद नहीं चाहिए, सुने तर्जुमा, हमको वो जिहाद नहीं चाहिए जो तुम्हारी तलवारों और बंदूकों से लोग मरते हैं, हमको वो जिहाद चाहिए कि तुम्हारी जान जाए और मजलूम बच जाए। इससे बड़ी बात तो नहीं कह सकता मैं, तुम्हारी जान जाए और मजलूम बच जाए, हमको वो जिहाद चाहिए। अब भी नहीं समझे करबला क्या है? हाय हाय, करबला इसी का नाम है कि हमारी जान चली जाए, आने वाली सारी उम्मतों की जान बच जाए। सलवात भेजने वाले ये है जिहाद। किसी की जान लेने का नाम जिहाद नहीं है, अपनी जान देकर किसी को बचा लेने का नाम जिहाद है। और फिर ये भी नहीं अल्लाह ने आयत में कहा, मैंने मुझे तो नहीं मिला, आप लोगों को मिला होगा तो बताइएगा कि भाई क्या आयत में अल्लाह ने कहा नहीं अपनी जान देकर सिर्फ मुसलमान ही की जान बचानी है? महफिल मैंने पढ़ दिया, ये भी नहीं कहा आयत में कि तुम्हें अपनी जान देकर सिख को नहीं बचाना, मरने दो, हिंदू को नहीं बचाना है, मरने दो, यहूदी को नहीं बचाने, ना अपनी जान देकर जो मिल जाए उसको बचाना, जो मजलूम, जो बेगुनाह। कुरान मजीद में दो चीजें हैं, इस पर गौर करिएगा। पहली चीज क्या है कि मजलूम की जान आपको अपनी जान देकर बचानी है और जालिम को छोड़ना नहीं। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, लोग कहने लगते हैं ये काफिर कहा है तो क्या मुसलमानों के अलावा सारे लोग काफिर हैं जो कह रहे हैं कि काफिरों को जहां पाओ मार दो? नहीं, काफिर का तर्जुमा है उपद्रवी यानी जालिम। कुरान में अल्लाह कहना चाह रहा है जालिम को जहां पाओ मार दो। अब इस आयत को मैं क्या समझाऊं? आप बैठे हुए हैं पाल भाई, आप बैठे हुए हैं, आप पढ़िए मेरे सामने रामायण, रामायण पढ़िए, रामायण बताएगी कि आयत क्या है और करबला क्या है। रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है
कि राम ने एक लश्कर लिया और रावण पे हमला किया। रावण किस मजहब का था? यहूदी था? नहीं। ईसाई था? कहा नहीं। मुसलमान था? कहा नहीं। फिर कहा हिंदू? हमारी राम भी हिंदू और उसके ऊपर चढ़ाई कर दी उन्होंने, हिंदू ने हिंदू के ऊपर। आप गौर तो करें क्या कह रहे हो भाई, मजहब के नाते उसको छोड़ देना चाहिए था। एक लफ्ज बोलू यहाँ पे, आप बताइए मुझे, आप बताइए ये रामराज किसे कहते हैं? बहुत अच्छी बात है, बड़ी आवाजें उठी हुई है रामराज की, ये रामराज कहते किसे? कहा रामराज इसको कहते हैं कि जहां पर मजबूर गरीब मजलूम उसको न्याय मिले और जालिम को सजा मिले। भाई इसके अलावा कोई तर्जुमा हो तो मुझे बताइए, मैं पानी पी रहा हूँ, सलवा भेजिए। भाई इसके अलावा है कोई तर्जुमा? रामराज का मतलब मैंने भी आप लोगों से सीखा है कि मजलूम की मदद करो और जालिम को मार दो, इसीलिए इसको रामराज कहा जाता था कि सबसे पहले राम ने यह काम किया कि मजलूम जितने हैं, बेगुनाह जितने हैं, चाहे जिस मजहब का हो चाहे जिस धर्म का हो, उसको हमारे रामराज में शामिल कर लो। लेकिन ये अगर हमारा अपने मजहब का भी जालिम है तो इसको मार दो। अमर ये समझ में आ गया? करबला आज तक समझ में ना आई? अब करबला समझ में आएगी जब रामराज समझ जाएगा। वो रामराज था जिस पर राम चलते थे, ये हुसैन राज है जिस पर करबला बनी। कौन था हुसैन के मुकाबले पे? यहूदी। देखिए बड़ी तारीख पलट रही यहां पर। कहा नहीं। ईसाई? कहा नहीं। कोई हिंदू आया था इमाम हुसैन सलाम के मुकाबले में करबला के मैदान में, जिसने 6 महीने के बच्चे को शहीद कर दिया? कहा नहीं, हिंदू तो उनकी मदद के लिए गए थे। काफिर? कहा उनके मुकाबले में मुसलमान आया, ना हो तो बताइए भाई कौन थे ये लोग? सिर्फ मुसलमान कह देना ना इंसाफी होगी, अमा उसमें कसीर तादाद में हाजी थे, कारी कुरान थे जो हुसैन को मारने आए थे, नमाज पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, मुसलमान अपने आप को कहने वाले, हुसैन के घर के 6 महीने के बच्चे को भी उन्होंने मार दिया। तो हुसैन ने क्या कहा? मुसलमान है तो क्या हुआ? अगर ये जालिम है तो इनकी जुल्म की हुकूमत हुसैन करबला के मैदान में दफन करके जाएगा। ये किस तरफ हमको ले जा रहे हैं वाक्यात? कभी पढ़ा करिए तारीखों को, ये वाक्यात किस तरफ ले जा रहे हैं? जैसे कि मैंने रामराज को बताया था, किस तरफ ले जा रहे हैं? मैं तो श्री कृष्ण में भी पढ़ सकता हूँ, श्री कृष्ण के मुकाबले पर मुसलमान नहीं थे, कौरव हिंदू ही थे, और हिंदू ही नहीं थे, घर वाले थे। तो ये वाक्यात हमको, श्री कृष्ण जी का वाक्यात है, राम जी का वाक्यात है, इमाम हुसैन के वाक्यात है, ये हमको किस तरफ ले जा रहे हैं? ये हमको पैगाम इंसानियत की तरफ ले जा रहे हैं कि भैया अगर हमको आइडियल मानते हो कि हम तुम्हारे राम थे, श्री कृष्ण थे, अली थे, हुसैन थे, हमको आइडियल मानते हो, मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर याद रखना कि जो हमने किया है वही करना। क्या किया आपने? कहा हमने मजलूमों की मदद की, जालिमों को खत्म करने की कोशिश की। आप हर दौर में यही करते रहिएगा, इसमें कोई मजहब की कैद नहीं है। मैं बात को और ले जा सकता था आगे, लेकिन चूंकि मौलाए कायनात का जश्न है तो 2 लफ्ज़ों में बोलूंगा, अब आप मुतवज्जे हैं तो सुनिएगा, अभी आपको मजा आएगा और आप इंशाल्लाह दुआएं भी देंगे। ये वो किरदार है, मैं अपने मौजू से नहीं हटूंगा, ये वो किरदार है जिसको मौलाए कायनात कहते हैं कि इस किरदार पर प्रोफेसर गिवन से लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ने बोला है। सारी किताबें मौजूद है, सारे स्टेटमेंट मौजूद है, इन सब ने तारीफों में बोला है इनके लिए। किसी ने ये कहा कि जमीन पर, ये अगर कोई समझता है कि मौला अली किसी एक तबके के लिए, फिरके के लिए, किसी एक कौम के लिए आए थे तो गलत समझता है, वो सारे आलम इंसान के लिए आए थे। किसी ने यह कहा कि जमीन पर अगर कोई सबसे पहला और सबसे बड़ा साइंटिस्ट था तो मौला अली था, और सिर्फ बोला नहीं, उसने वजाहत की कैसे साइंटिस्ट थे सबसे बड़े। मैं छोटे छोटे भाई बैठे हैं, मैं दे रहा हूं कैसे साइंटिस्ट थे भाई। आज तो आपके पास एस्ट्रोनॉमी के तमाम सवाल जानने के लिए टेलीस्कोप है, मशीनरीज है, तमाम कैमराज है, तमाम चीजें हैं। 1400 साल पहले, यानी 1500 साल पहले, जब कारें भी नहीं थी, लोग घोड़े गधे भी चलते थे, तब जमीन में बैठा हुआ आसमान की बातें कैसे जानता था?
नहीं जान सकता। उस माहौल में जब कोई मशीनरी कोई साइंस मदद नहीं कर रही है, मौला अली से सवाल कर लिया गया, यानी आप बड़े आलिम है, कहा बताओ, कहा आप ये बताइए यहां से जमीन से सूरज कितनी दूर है। अब परेशानी ये नहीं है कि मौला अली के पास उसका जवाब, जवाब तो है, सोच ये रहे कि इसको जवाब दूं तो किस तरह से दूं। क्यों? क्योंकि सूरज की जमीन से जितनी दूरी है उतनी तो गिनती भी इसके पास नहीं। ये तारीखी वाक्यात है आपके सामने, जितनी सूरज से जमीन से सूरज की दूरी है उतनी तो गिनती भी नहीं जानता है, तो इसको अगर मैं बताऊं तो पहुंचेगा कैसे वहां तक। तो मसला ये नहीं था कि इसने सवाल किया, सवाल का जवाब तो मालूम है, दे देंगे, ये जानेगा कैसे, समझेगा कैसे। तो बड़ी मुश्किल ये थी कि उस अरब के जहालत के दौर में जहां पे गिनतियां भी नहीं थी, बस वो वाहिद इतने तलाता अशरा खमसा सित्ता, उसके बाद अशरून, फिर मियां को सौ कहते हैं, फिर अल्फ हजार खत्म, अरबी की गिनती है, मैंने गिन दिया आपके सामने। अल्फ के आगे अरब में कोई गिनती नहीं, मिलियन मिलियन ट्रिलियन तो इन्होंने अंग्रेजों से अब लिया, समझे। तो अब वो अल्फ तक तो है नहीं सूरत की दूरी, तो बताएं कैसे, मिलियन में जा रही, ये समझेगा कैसे, मिलियन तो इसे मालूम है। तो मौलानी ने कहा ठीक है, इसको इसी जबान में समझाते हैं, क्यों सबसे बड़े साइंटिस्ट कहे गए, सुनिए। कहा भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे पास अरबी घोड़ा है, कहा है, कहा उस अरबी घोड़े को 500 साल तक दौड़ा दो सीधा, ये अरबी घोड़े की बात करो, 500 साल तक दौड़ा दो, 500 साल के बाद में जहां पर पहुंचेगा बस नाप लेना दूरी उतनी दूर है जमीन से सूरज। नहीं देखिए, ये तो सब चीजें आपने बहुत सुनी है, मैंने क्यों पढ़ी है, क्यों पढ़ाई वाक्य, कभी आपने गौर किया कि सूरज है कितनी दूर जमीन से। मौलानी ने बता दिया है 1400 साल पहले, आज की साइंस में गौर कर लिया, उन्होंने बताया तो फार्मूला नहीं कर, अब आप करिए मल्टीप्लाई, अपने मोबाइल को लिए कैलकुलेटर निकालिए, मैं बता रहा हूं, और देखिए सूरज की दूरी निकलती है। अरबी घोड़े की औसत स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, एक घंटे में 35 किलोमीटर, अरबी घोड़े की, मौसी का घोड़ा नहीं चल पाएगा, हाँ ये अरबी घोड़ा है, बड़े तगड़े होते हैं, 35 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में कितना जाता है 35 किलोमीटर, एक दिन में कितना जाएगा 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक दिन का निकल आया, उस कैलकुलेशन को 30 दिन से, एक महीने का निकल आया, उस कैलकुलेशन को एक साल से, एक साल का निकल आया, उस कैलकुलेशन को 500 साल से, जो निकलेगा मैं बताऊं 14,96,00,000। मैंने एक बात YouTube पे बोली है, आप साइंस की किताबों को चेक कर लीजिए, अरबी घोड़े की स्पीड देखिए 35 किलोमीटर। इसलिए वो बोलता है कि जमीन पर सबसे बड़े साइंटिस्ट मौला अली थे, आप तो मोदी जी ने भी कहा कि भाई करबला की जरूरत 1400 साल पहले जितनी थी उससे ज्यादा सख्त जरूरत तो आज है। अब इससे बड़ा जुमला वो बोल भी नहीं सकते थे जो मौला हुसैन के लिए बोला, यानी वो भी महसूस करते हैं कि मौला हुसैन की तारीख की जरूरत है, उनकी जरूरत है, आएगा है, आएगा इंशाल्लाह। और जार जसदाग ने तो, बल्कि मैं कहूं वो महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, और रविन्द्रनाथ टैगोर को, और क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सबको मैंने छोड़ दिया, जार जसदाग ने तो पूरी किताब लिख दी, लाइफ स्टोरी ऑफ द अली अलैहिस्सलाम, जिसका नाम है सवाने उमरी। ये आखिरी लम्हात में तकरीर है, क्योंकि आप मुतवज्जे थे तो मैंने थोड़ा से 5-7 मिनट बढ़ाए हैं, और यहां से 5-7 मिनट की बातें, उसके बाद फिर ना कुछ कहने की जरूरत है ना सुनने की जरूरत है, आज की हद तक बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर बात सच्ची है तो जरूर आप इस पर गौर करेंगे, लेकिन ये जो मैं आपके सामने ला रहा हूं ये पूरी महफिल का निचोड़ है, सिर्फ तकरीर का निचोड़ नहीं, जो बात कहने जा रहा हूं, लाइफ स्टोरी ऑफ द अली अलैहिस्सलाम, मौला अली की पूरी जिंदगी की एक सवाने हयात, वो उन्होंने जीवनी एक किताब में लिखी, किसने, जार जसदाग, फ्रेंच स्कॉलर, ईसाई मुसलमान नहीं, एक राइटर था, लिखता था, उसने सुना कि हाँ मौला अली कोई ऐसी हस्ती आए थे मक्का मदीना और कूफा में, तो उसने कहा कि अभी तो बड़े अच्छे मालूम होते हैं, वो अपने टिकट से, अपने सफर से, और अपने सामान से वहां वहां पहुंचा जहां जहां मौला अली ने अपने टाइम को स्पेंड किया था, खर्च किया था, रहे थे मदीने में, देखा हाँ यहाँ खैबर लड़े, यहाँ और लड़े, यहाँ पे रहते थे, ये मकान है, ये है, उसके बाद वो मदीने में भी गया, मक्के में भी गया, हर जगह गया और सारी निशानियों को कलेक्ट करता चला गया, कूफे में भी गया, कूफे में जो वक्त उन्होंने गुजारा था उसको भी कलेक्ट किया, एक किताब बनाई, इसका नाम लिखा लाइफ स्टोरी ऑफ द अली अलैहिस्सलाम। वो किताब पूरी उसने लिख तो दी, किताब बन भी गई, किताब तैयार भी हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी
कि किताब लिखना तो उसके बस में था, उसके हाथ में कलम था, उसके पास कागज था, उसने किताब लिख दी। लेकिन किताब लिखने के बाद जब उसने पढ़ा खुद तो मुतासिर हुआ, उसने कहा यह किताब आलम इंसान के लिए बड़ी फायदेमंद है, ये किताब जब जहां जहां जो भी पढ़ेगा इससे बड़ा उसको फायदा मिलेगा, खासतौर से इंसानियत के समाज को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इससे। लिहाजा ये किताब कमरे में कैद नहीं होनी चाहिए, लाइब्रेरी में मुकैद नहीं होनी चाहिए, इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए ताकि ये इमाम अली सलाम की सवाने हयात से सारे लोगों को फायदा मिले। और ये किताबें न पहुंचती होती तो आप भी रात के 11 बजे यहां पर न बैठे होते। सलवात भेजो उनके पास। हाँ, आपकी बोली ने बता दिया है कि भूख भूख लगी हुई है, इंशाल्लाह बस 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 दो चार पांच मिनट कि जब लिख तो दी उसने किताब, जुमले बड़े कीमती यहां से, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये इतने आलम स्तर पर पूरे दुनिया में इसको छपवाया बटवाया कैसे जाए, इसमें तो बड़ा फाइनेंस चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, ये किताब की मैंने लिख दी। तो इसने कहा कि इसमें कोई भी तो मेरे पास तो इतना नहीं है कि मैं इसको इतने बड़े खर्च के साथ में काम कर सकूं। तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई कि ऐसा करते हैं कि मुसलमानों के रहबर थे, उनके मौला हैं, उनके हाकिम, लिहाजा ऐसा करते हैं कि इन किताबों को जो उनकी प्रेस वगैरह है, मशीनों से जो भी होती हो, उनसे कहते हैं वो मदद करेंगे। वो पहुंचा फलां के पास, फलां के पास, फलां जिसके पास पहुंचा उसने मना कर दिया, काम से कोई मतलब नहीं भैया, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। वो जहां भी जितने भी 8-10 जगह 20 जगह 15 जगह जा सकता था, जाने के बाद मायूस लौटा और किताब लेके सीधा अपने चर्च के गेट पर आकर बैठ गया। एक उलझन ये दिमाग में थी कि यार हमारे ईसा के ऊपर किसी ने किताब लिखी होती तो हमसे जो हो सकता हम करते, इनके मौला पर, इनके हाकिम पर किताब लिखी, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई मदद नहीं रहा, उसको क्या मालूम, जैसे आज लोग हैं वैसे कल भी थे, उसको बेचारे को क्या मालूम। तमाम तरह के लोग होते हैं, हर मजहब में होते हैं, चाहे जिस मजहब में ले लीजिए, बहुत से लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो इत्तेफाक से वहीं पहुंचा जो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। और होते भी एक बीच में एक दौर ऐसा बीता है जहां पर मौला अली की मुखालफत में मेंबरों से 900 साल तक की बातें कही गई हूं, तो एक मीडिया राइटर्स के जरिए से पता नहीं क्या क्या उनके खिलाफ लिखा गया है, तो बहुत सा मजमा ऐसा हो गया था जो उनके खिलाफ भी हो गया था, मुसलमानों ही का मजमा, ये तो अल्लाह दर्जात बुलंद करे उमर इब्ने अब्दुल अजीज के, कि जब उनकी बादशाह हुकूमत खलीज में आई है तो उन्होंने इस दस्तूर को बंद किया कि अब मिंबरों से मौला अली को कुछ नहीं कहा जाएगा, ये पूरी तारीख है आपके सामने। तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत से लोग मुखालिफ हो चुके थे, तो उसको जो मिले ऐसे ही मिले। तो वो चर्च के गेट पर आकर सोचने लगा कि चलो अब क्या किया जाए, अब इन्होंने तो मना कर दिया, फिर कौन मदद करेगा। तो चर्च का पादरी निकला वहीं से और उसने देखा जज्दाक बैठा हुआ है, कुछ मायूस से, कुछ दुख में है, कंधे को थपथपाया, जज्दाक खड़े हुए, सलाम दुआ हुई। उसके बाद जज्दाक कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, कुछ मायूस दिखाई दे रहे हो, बात क्या है। तो जज्दाक ने कहा हुजूर मैंने ये किताब लिखी थी लेकिन उसको छापने और बांटने की कुव्वत मुझ में नहीं है, लिहाजा मैं मायूस हूँ, इसको कैसे पब्लिश किया जाए, कैसे बताया किया जाए। कहा कौन सी किताब, का इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऊपर, कहा फिर, कहा मैं मुसलमानों के पास गया, उन्होंने मदद ही नहीं की, अब कौन मदद करेगा जब उन्होंने इनकार कर दिया। कहा तुम गए क्यों उनके पास, पादरी कहता है, तुम उनके पास गए क्यों, कहा फिर किसके पास जाता, उनका मामला तो उन्हीं के पास जाता। कहा नहीं, तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था, जितना फाइनेंस होगा, जितना पैसा लगेगा, जितनी मेहनत होगी हम करेंगे, ये सब है आपकी तारीख में। तो खुश हो गया कि उसकी मेहनत जाया होने से बच गई, उसने फौरन अपना वो सरमाया लिया, वो पैसा लिया जिससे वो कर सकता था काम, लौट कर आया, उसने पब्लिश कराया, किताबों को छपवाया बटवाया जो आज मौजूद है मार्केट में इसी वजह से। और उसके बाद उसने पैसा कलेक्ट कर लिया तो उसने कहा कि अब इनको पैसा वापस कर दिया जाए, बिकने के बाद आ गया है पैसा, वो वापस आया, बस आप मेहनत समझेंगे यहां से क्या कहना चाहता हूं आपके दिलों से। आने के बाद पादरी से कहा कि वो तो काम हो गया और पैसा भी मुझे अच्छा खासा मिल गया, मैं चाहता हूं कि आपके पैसे आपको वापस कर दूं, लेकिन एक सवाल है उससे पहले, सुने सवाल भाई, कहा पूछो क्या सवाल है। पादरी ने कहा सवाल यह है कि उनके मजहब के लोग थे, उन्होंने तो मना कर दिया था, आप ईसा के मानने वाले, आप ईसाई, आपका मजहब और उनका मजहब और, फिर आपने क्यों मदद की। ये आप सुने, आप तमाम लोग, हर मजहब के लोग, हर अकीदे के लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, ये वो लोग इकट्ठे हुए हैं जो एहसान को याद रखते हैं, भूल गए वो नहीं।
वहां पर एहसान को याद रखा गया था। उसने कहा जानना चाहते इस सवाल का जवाब कि मैंने क्यों मदद की गैर मजहब के होने के बावजूद? आओ मेरे साथ लाइब्रेरी में। ले गया, लाइब्रेरी में तमाम पुरानी किताबें मौजूद थी। कहा देख रहे हो लाइब्रेरी? कहा देख रहे। कहा इसमें उस वक्त की भी किताबें मौजूद हैं जब इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफे में अपनी हुकूमत किया करते थे। उस वक्त कि वो जो राइटर हमारे थे, जो हमारे पादरी थे, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की 4.5 साल हुकूमत को उन्होंने किताब में लिखा और वो किताबें हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अच्छा क्या लिखा? कहा मैं बताऊंगा ना क्या लिखा है, तो फिर ये तुम किसी से सवाल नहीं करोगे कि गैर मजहब ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस काम में मदद की। कहा बताइए। कहा हमारे अपने राइटर्स ने, अपने हमारे अपने पादरियों ने उस वक्त जब इमाम अली अलैहिस्सलाम की 4.5 साल हुकूमत हो रही थी उस दरमियान ये किताब लिखी है। देखो ये किताब लाइब्रेरी की गवाह है जिसमें उन्होंने लिखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत की तारीफ नहीं कर सकते, बस मुख्तसर ये सुने जुमला, मुख्तसर ये कि इमाम की हुकूमत में हम ईसाइयों को वो इंसाफ मिला जो हमें अपनी हुकूमतों में नहीं मिला। इससे बड़ा जुमला तारीफ में नहीं मिलेगा। इमाम की हुकूमत में गैर मजहब का आदमी कह रहा है हमको वो अदल व इंसाफ, वो हक मिला जो हमें अपनी हुकूमतों में नहीं मिला। मैं जहां जहां हुकूमतें हैं हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव होते होने के नाते ये बात यूट्यूब के जरिए से हर हाकिम तक पहुंचाना चाहता हूं कि हुकूमत करो तो ऐसी करो जैसे इमाम ने की है। अपनों को तो सब दे देते हैं, वो उन तक पहुंचते थे जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐसी हुकूमतों को कायम रखना चाहिए। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम हिंदुस्तान के हैं, हम अपने मुल्क के हैं, हम सबको इमाम अली अलैहिस्सलाम की इस सवाने हयात 64 साल जिंदगी की स्टडी करते हुए अपने हाथों को दूसरे मजहब के हाथों में इस तरह से देना है कि दुश्मन हमारे मुल्क की सरहदों को न तोड़ पाए। ये हमारे इमाम ने दस दिया है, ये हमारे हुसैन ने दस दिया है। अब सुने, बस मैंने बात को खत्म किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबा कूफे के मैदान में, आखिरी खुतबा, यही किताब जो मैंने पढ़ी थी वही किताब में नकल किया गया है। आखिरी खुतबा इमाम ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि देखो जो जहां जहां है जिस मजहब का है, चाहे मेरा चाहने वाला हो चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे मेरा मानने वाला हो चाहे मेरा इनकार करने वाला हो, चाहे मेरे घर का हो चाहे बाहर का हो, उनसे कह दो इस मैदान में इकट्ठे हो जाए फला दिन, मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूं। यह आखिरी खुतबा है, मतलब आखिरी स्पीच, आखिरी तकरीर मानती है, जिसमें उन्होंने सारे मजहब को के लोगों को मैदान कूफा में इकट्ठा किया। और जब इमाम की आवाज चारों तरफ गई तो मजमा ऐसा हो गया था इंडलेस, जिसका कोई आखिर नजर नहीं आता था, इतना मजमा था। और उस मजमे में एक ऊंची सी जगह पर जिसको आप मिंबर कहते हैं, इमाम आते हैं और आने के बाद अब तारीख इंसानियत के लिए या पैगाम इंसानियत के लिए इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है जो मैं अपने इमाम के हवाले से कहना चाहता हूं। ऊंची जगह पे आए जिसको मिंबर कहते हैं और वहां आने के बाद चारों तरफ निगाह दौड़ाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ देखा, सब तरफ के लोग मौजूद हैं, सब तरह के लोग मौजूद हैं। इमाम का पहला वर्ड, आप बताइए ऐसी बात करने वाला, ऐसी हुकूमत करने वाला कोई चाहेगा कि खो जाए हमारे दरमियान से? मरे नहीं है, मारा गया है, अफसोस इस बात का है। तो वही हो गया, जिस पेड़ पर बैठे हो उसी को काट रहे हो, वो तुम्हारे घरों को हरा भरा करता था तुमने उसी पेड़ को काट दिया। पहला जुमला था इमाम का कि मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने मेरे मुल्क के जो लोग जहां जहां से आ सकते थे आ गए। तो मेरा मेरी पहली आवाज ये है, पहला सवाल ये है कि इस मजमे से, सुने सुनिए मुझे भाई जो मैं जुमला कह रहा हूं, इस मजमे से वो हट जाए, इमाम कह रहे वो हट जाए जो मेरे अपने घर वाले हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझ पर जान देने वाले हैं, उनका इस मजमे में काम नहीं है, हट जाए। मैं मुखातिब हूं उस मजमे से जिनकी तलवारें मेरे खून की प्यासी हैं। कहेगा कोई हाकिम जो इमाम कह रहे हैं यहां पर, कहेगा कोई हाकिम? अगर ऐसे हाकिम कहने लगे ना तो दुनिया जन्नत हो जाएगी, स्वर्ग हो जाएगी दुनिया, जो इमाम ने कहा है। मेरे अपने जो है वो नहीं बोलेंगे, उनसे मेरा सवाल नहीं है। मेरे अपने गैर, मेरे अपने खून के प्यासे, मुझसे दुश्मनी रखने वाले, या वो लोग जो गैर अकीदे के हैं, गैर मजहब के हैं, यानी अहले हुनूद में हिंदू भाई जो हैं,
ईसाई, यहूदी या गैर अकीदे के, गैर मजहब के, गैर मसलक के, गैर जगह के, वो लोग मेरे सामने आए। मेरा सवाल उनसे, वो हट जाए जो मुझे चाहते हैं, मेरी बहुत मेहनत है, देखिए जुमले पर जाया ना जाए। इमाम कहते वो हट जाए जो मुझे चाहते हैं, मुझ पर जान निसार करते हैं, वो मेरे सामने आए जो मेरे खून के प्यासे हैं, वो मेरे सामने आए जो मेरे मजहब को नहीं मानते। मेरा सवाल उनसे है कि उस मजमे से कि जो मेरा मुखालिफ है, उनमें से एक फर्द आगे आकर बताए मेरे सामने कि उसको घर नहीं मिला मेरी हुकूमत में, दवा नहीं मिली मेरी हुकूमत में, कपड़ा नहीं मिला मेरी हुकूमत में, हक नहीं मिला मेरी हुकूमत में, खाना नहीं मिला मेरी हुकूमत में। हाय हाय हाय, ये पैगाम पहुंचे ना, किससे कह रहे हैं? अपने भाइयों से नहीं कह रहे हो, चाहत तो कह देगा सब कुछ मिला। अपने बेटों से नहीं कह रहे हैं, वो चाहत में गले लगा लेगा, अरे आपने तो सब कुछ कहा। वो आए जो सबसे बड़ा बदतरीन दुश्मन है मेरा, और वो मेरी आंखों में आंखें डालकर गवाही दे कि मेरी हुकूमत ने उसको उसका हक मिला कि नहीं मिला। यही तो था जो पादरी दिखा रहा था। जानते हैं क्या जवाब है? मजमा भी बड़ा ईमानदार था तब का, अब का नहीं। तब आईटी सेल नहीं थी, तब मजमा वही कहता था जो सच होता था, दुश्मनी एक जगह, सच्चाई एक जगह। जब इमाम ने कहा तुमने से बताए किसी का हक छीना गया मेरी हुकूमत ने, सारे दुश्मनों ने, चाहे वो मजहबी दुश्मन हो चाहे वो जाती दुश्मन हो, एक मिलकर जवाब दिया, इमाम ये सच है कि हमारी तलवार आपके खून की प्यासी है, ये सच है कि हम आपको पसंद नहीं करते, ये सच है कि हम आपको चाहते नहीं है, ये सच है कि हम आपकी बुराइयां करते हैं, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि आपकी हुकूमत ने हमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं हुई। किससे कहलवा लिया इमाम ने? अम्मा भैया ये जुमला कि आपकी हुकूमत में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई, आप लोग प्रधान बनेंगे कुछ दिन बाद, बड़ी नसीहत है। किससे कह रहे हैं? जो बदतरीन दुश्मन, दोस्त नहीं जाएगा भाई, दुश्मन गवाही दे रहा है कि आपकी हुकूमत में हमको वो इंसाफ मिला जो अपनी हुकूमतों में मिला, खाना मिला, कपड़ा मिला, सब कुछ मिला। बस तब इमाम ने अंतिम क्या कहा उस मजमे से? अच्छा तो तुम इस बात की गवाही देते हो कि मेरी हुकूमत में तुम्हें किसी तरह की कोई दुश्वारी, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं हुई? कहा का तो फिर आंखें झुकी हुई क्यों है? उठाओ तो अपनी नजरों को, उठाओ अपने चेहरों को और देखो, एक एक नजर देखो मेरे इस लिबास की तरफ, हाय हाय, मेरे इस जूते की तरफ। ये वही लिबास है जो मैं मदीने से पहनकर आया था, इसमें अब इतने पेबंद लग चुके हैं कि इसमें नया पेबंद लगाते हुए भी मुझे शर्म आती है। और याद रखना, यही मैसेज है मौला अली का पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, जो उनका एक हकीर सा बंदा बयान कर रहा है, एक हकीर सा चाहने वाला बयान कर रहा है, याद रखना ये लिबास देखो जिस पर इतने पेबंद लग चुके हैं कि अब नया पेबंद लगाते हुए शर्म आती है। याद रखना कि जिस दिन ये हाकिम वक्त अली का लिबास तब्दील हो जाए, बदल जाए, घर बदल जाए, दस्तरखान आलीशान हो जाए, रहना सहना कमाल का हो जाए, तो समझ लेना तुम्हारे हक गजब कर लिए। बस मैंने अपनी बात कह दी है, ये हमारे इमाम का पैगाम था, आज इनकी विलादत का मौका और जश्न। अब इस मौके पे ना कहता ये बातें तो कब कहता, आपको थोड़ा सी परेशानी हुई, थोड़ा दिक्कत हुई, थोड़ा ताखीर हो गई, आप बैठे हुए हैं, मैं वो ऐसा इंतजाम नहीं कर सका जैसा आपके खुलूस आपकी मोहब्बत के लिए करना चाहिए था, मैं माजरत करता हूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों ने साथ दिया तो आइंदा साल या आइंदा किसी भी वक्त में इस तरह के कोई प्रोग्राम होंगे तो मैं आप जो हो सकता है अच्छा से अच्छा ख्याल रखूंगा और इंतजाम करूंगा। ये तो जल्दबाजी में बस बच्चों ने तय किया था, हो गया, आपके खुलूस ने इसको बढ़ाकर इतना बड़ा कर दिया। आप जहां रहें सलामत रहें, अहले बैत के चाहने वाले हैं, आपकी इज्जत पर आंच नहीं आएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म कुन लवालियकल हुज्जत इब्न हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाजिस साति कुल्ले साति वले यौम आफिज़ौ फायदौ नासरौ दलीलन अनन ततुस्किनत व ज़कातु मत्याहु फीहा तवीला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी।